Mm-hmm. Uh hmm -huh, uh -huh. हेलो 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 एल्फा माइट टेस्टिंग हेलो हेलो क्या आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है बेटा मुंह दिखाई से पहले ये बता दो कि आपको बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है ऑडियो क्लियर है और वीडियो uh, क्लियर है अगर ऑडियो मैं अपने साउंड चेक खुद ही कर लेती हूँ यस लेट ओ जी तो काफी बच्चे मैं देख पा रही हूं जोड़ गए हैं तो हमें वेट करने की जरूरत नहीं है एकदम से स्टार्ट कर सकते हैं चलिये। चलिये जी, हेलो, आपकी और आज लेकर आई हूं आपके लिए सेल इस सीरीज में जिसका नाम है उत्थान तो बात यह है बेटा सीधी बात नो बकवास राइट ब्रीफ करने की जरूरत नहीं है आप अच्छे से जानते हैं उत्थान सीरीज क्या है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो यह बता दूं कि जो भी बच्चे यहां सिर्फ देखने भर के लिए आए कि चलो देखते हैं मैम क्या पढ़ाने वाली है पांच मिनट देखेंगे टाइम पास करेंगे फिर निकल लेंगे शुरू के व्यूज बढ़ा देते हैं नहीं मैं बता दूं बेटा लगभग एक सवा घंटा ये लेक्चर चलने वाला है मैं लगभग थर्टी क्वेश्चन आपके लिए लाई हूं और वो तीस क्वेश्चन मैंने खुद बैठ के बनाए हैं एनसीआरटी की लाइन से तो ये तो गारंटी है कि अगर ये तीस क्वेश्चन आपने मेरे साथ साथ यहाँ लग कर सॉल्व कर लिए तो आपकी एन पूरी आपको टिप्स पे हो जानी है और साथ में मैं हर एक हेडिंग का आपको रिविजन भी कराऊंगी तो जो सारे बच्चे अभी कैजुअली बैठे हैं बिस्तर के अंदर घुस के बैठे हैं या सोच रहे हैं पाँच मिनट में देख के निकल जाएंगे मैं सबको बोल देती हूँ बेटा एक सवा घंटा मेरे साथ बने रहो वो तीस क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करो और आपके एन डन है तो अगर कहीं भी आसपास कोई है जाके के एकांत सी जगह में बैठ जाओ एनसीआर अपने सामने खोल लो अभी नहीं खोलो पहले क्वेश्चंस करेंगे तो जाओ जाकर एकांत एक जगह में बैठ जाओ और एक कॉपी पेंसिल अपने हाथ में रख लो आपके पास है दो मिनट जल्दी से यह काम कर लो राइट सारे बच्चे जो सही मायनों में इस चैप्टर को पूरी तरह तैयार करना चाहते हैं और एन को पूरी तरह टिप्स पे करना चाहते हैं एक एकांत जगह में बैठ जाओ और मेरे साथ साथ 30 के क्वेश्चन 30 पूरे मन से सॉल्व करना और देखो कि तुम्हारा कितना तुम्हें कितना चैप्टर ये आता है और कितनी इस चैप्टर पे तुम्हारी पकड़ है राइट चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे एक घंटे का काम है फटाफट से आ जाओ चलिए बेटा तो पूरा चैप्टर आज हम इस लेक्चर में खत्म करेंगे इस पूरे के पूरे चैप्टर में बेटा अगर आप अपनी एनसीआरटी देखो तो इस पूरे चैप्टर में अठारह मेजर हेडिंग्स हैं एटीन हेडिंग्स हैं जो मेजर हैं और हर एक हेडिंग से मैं आपके लिए क्वेश्चन लाई हूं अब हमारा course of action क्या रहेगा ध्यान से 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 सुनो 18 headings से, major, major questions, major के से मैंने आपके लिए बना लिए हैं जैसे ही हम एक हेडिंग को कंप्लीट करेंगे एक हेडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे मैं आपको एक छोटा सा पॉडकास्ट दूंगी और उस छोटे से पॉडकास्ट में आपकी सारी एनसीआरटी की लाइंस रिवाइज हो जाएंगे राइट लिखूंगी मैं कुछ नहीं नोट्स मैं आपके लिए नहीं लाई हूं पूरा साल आपने नोट्स बना लिए पोथे भर लिए हैं अब समय है सुनने का समझने का और चीजों को साथ के साथ याद करने का यानी कि हरेक क्वेश्चन के बाद मैं आपको एनसीईआरटी की हेडिंग का पॉडकास्ट दूंगी लिखूंगी कुछ नहीं क्योंकि वो सारी लाइंस एनसीईआरटी में लिखी हैं आप बस ध्यान से सुनते रहेंगे और मेरे साथ साथ एनसीईआरटी की सारी लाइंस याद करते रहेंगे तो एक घंटे एक सवा घंटे की बात है एक मिनट के लिए भी मैं चाहती हूं कोई बच्चा यहां से ना जाए एक मिनट के लिए भी अपने कंसंट्रेशन को भंग ना होने दे लगा रहे और सेल हो जाएगा तैयार चलिए स्टार्ट करते हैं सो रेडी ऑल सबसे पहले मुझे चैट में सारे बच्चे बता दो रेडी हो गए हो सारे बच्चे रेडी हो गए हो जल्दी से चैट में बताओ स्टार्ट कर दें सारे बच्चे रेडी हो गए हो एकांत जगह में जाके बैठ गए हो तैयार हो क्वेश्चन करने के लिए थर्टी क्वेश्चन और साथ में पॉडकास्ट के लिए साथ में पॉडकास्ट के लिए जल्दी बताओ तैयार हो इस चैप्टर के गर्दे उड़ाने आज ही इस चैप्टर को खत्म करना है डेड फिर इस चैप्टर को उठाना नहीं है रेडी हो ना एक घंटे एक घंटे का काम है एक मिनट के लिए भी कोई कहीं नहीं जाएगा राइट है चलिए स्टार्ट करते हैं चलो बेटा टाइमर लगा लो एक क्वेश्चन को दो मिनट देंगे टाइमर लगा लो एक क्वेश्चन को दो मिनट देंगे और फटाफट पहले तीस क्वेश्चन और फिर चैप्टर के गर्दे उड़ाएंगे चलो आ जाओ तो सबसे पहली हेडिंग एनसीआरटी में इस चैप्टर की है सेल एंड सेल थ्योरी जहां पे सेल को समझना है और सेल थ्योरी को समझना है इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन करेंगे फिर पॉडकास्ट करेंगे आ जाओ फटाफट से चलिए ये है क्वेश्चन मैच द कॉलम का क्वेश्चन है हर टाइप के क्वेश्चन लाए हैं रीजन असर्शन मैच द कॉलम ट्रू फॉल सब लाए हैं ये करो फटाफट से पोल जनरेट कर रही हूं पोल जनरेट कर रही हूं क्वेश्चन करो फटाफट से बेटा चलिए मैं आपको इसके लिए 60 सेकंड दे रही हूं एंड आई एम स्टार्टिंग द पोल ओके आई एम स्टार्टिंग द पोल चलिए सेकेंड मिल रहे हैं आपको क्वेश्चन में आपके लिए पढ़ देती हूँ फटाफट से इसका आंसर दीजिए जिनको अपने जिनको पोल नहीं नजर आ रहा है वो चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं जल्दी दीजिए आंसर ये रहा वॉन रुडोल्फ वर्चाओ रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कंटेनिंग जेनेटिक मटीरियल फर्स्ट सॉ अ लाइव सेल ऑल सेल्स है फटाफट से कर दो जल्दी मैच द कॉलम बैठाने हैं बेटा फट से कर दो जवाब दे रहे हैं काफी बच्चे मुझे चैट बॉक्स में काफी बच्चों का जवाब मिल रहा है सी ऑप्शन सी ठीक है चलिए पोल भी देख लेते हैं पोल भी देख लेते हैं बच्चे चलिए तो 96.23 परसेंट बच्चों ने आंसर दिया है सी आई फटाफट से देखते हैं किसने सबसे पहले जवाब दिया है सबसे पहले जवाब दिया है मेडिको राज ने 42 में वेरी गुड देन अनुभव देन देन नैतिक अभिनय चलिए वेरी गुड बेटा सारे परफॉर्मेंस को सारे परफॉर्मर्स को मुबारकबाद हो कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं चलिए देखते हैं कि ये नाइनटी बच्चे सही कह रहे हैं गलत एंटन वॉन ल्यूवन हॉक क्या बनेगा फर्स्ट सो आ लाइफ सेल एंटन वॉन लिवन हॉक ने सबसे पहले क्या देखा था बेटा लाइव सेल देखा था तो यह वन चलिए गुड गुडर स्वॉन स्वॉन ने सबसे पहले क्या बताया था बेटा ये जुआलॉजिस्ट थे इन्होंने बताया था कि जितने भी सेल्स होते हैं चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो सबके पास एक थिन लेयर होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं तो बेटा मेरे ये आ गया यहां पर थ्री रुडोल्फ वर्चाओ रुडोल्फ वर्चाओ ने क्या किया था बेटा जी सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था क्या पॉइंट ऐड किया था उसमें ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला माने सारे सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आते हैं तो ये क्या बन जाएगा बेटा मेरे फोर रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले क्या डिस्कवर किया था बच्चा बच्चा जानता है रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस

तो हमारा बना अरे वन लिख दिया मैंने गलती से एंटन नाइनटी सिक्स परसेंट बच्चों ने जवाब बिल्कुल सही दिया है आंसर इसका है सी अब बहुत खुशी हो रही है नाइनटी सिक्स परसेंट बच्चे सही जवाब दे रहे यानी कि मतलब आपकी तैयारी बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है इसका मतलब जब ये लेक्चर खत्म होगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा कि यार ठीक है हमें आता है चलो अब नेक्स्ट हेडिंग है एन ओवरव्यू ऑफ सेल लेकिन इससे पहले बेटा पॉडकास्ट का समय आ गया तो सबसे पहली मेजर हेडिंग है सेल सेल एंड थ्योरी जिससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन कर लिया राइट अब बिल्कुल ध्यान से सुनते जाओ एनसीआरटी में क्या क्या लाइनें लिखी हुई हैं राइट एनसीआरटी आपके सामने खुली हुई है ध्यान से सुनो क्या क्या लाइनें लिखी हुई हैं NCRT कहती है कि अगर हम एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसकी अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है और वो सारे को इंडिपेंडेंटली कर सकता है एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म तो एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ बेटा एक सिंगल सेल यानी कि एनसीआरटी कह रही है कि एक सिंगल सेल कि अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है एक सिंगल सेल अपने आप को इंडिपेंडेंटली जिंदा रख सकता है और एक सिंगल सेल कैन परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज। एक सिंगल सेल में सारी एक्टिविटी हो सकती है चाहे वो डाइजेशन हो चाहे एब्जॉर्प्शन हो चाहे एक्सक्रीशन हो राइट right है जी चलिए फिर एनसीआरटी की नेक्स्ट लाइन कहती है स्ट्रक्चर नॉट हैविंग अ प्रॉपर सेल इज नॉट कंसीडर्ड एज लिविंग ऐसी कोई भी एंटिटी जिसके पास एक प्रॉपर सेल ना हो आप उसे लिविंग नहीं काउंट कर सकते जैसे वायरस वायरस को आप प्रॉपरली लिविंग नहीं कह सकते क्यों नहीं कह सकते क्योंकि उसके पास एक प्रॉपर सेल नहीं होता चलिए फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में एनसीआर बात करती है एंटन वॉन लिवन हॉक साहब की जिन्होंने सबसे पहले एक लाइव सेल को देखा था इन द फॉर्म ऑफ स्पर्म सेल्स और इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया फिर उसके बाद वो बताती है रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को तो ये आ जाता है सेल हेडिंग में राइट right? फिर आता है सेल थ्योरी सेल थ्योरी आपको पता है किसने दी थी दो साइंटिस्ट ने मिलकर एक है मेथियास लीडन और दूसरे हैं थियोडर स्वॉन। लीडन साहब बोटानिस्ट हैं स्वॉन साहब जोअलॉजिस्ट है क्या किया इन्होंने दोनों ने मिलकर बताया कि जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं अर्थ पर या तो वो सेल से मिलकर बनी है या सेल के प्रोडक्ट्स से मिलकर बनी है लेकिन फिर इसके बाद इस सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया गया और मॉडिफाई किसने किया रूडोल्फ वर्चाओ साहब ने और उन्होंने क्या ऐड किया दैट ऑल न्यू सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स माने जितने भी नए सेल बनते हैं वो पुराने सेल्स से बनते हैं जो पुराने सेल हैं उनमें डिवीजन होता है और वो डिवीजन होकर नए सेल्स को बनाते हैं राइट right? तो ये दोनों हेडिंग्स में एनसीईआरटी में ये लाइनें लिखी हुई हैं और ये क्वेश्चन आपका तैयार हो गया तो ये दोनों हेडिंग आपकी तैयार हो गई हैं चलिए अब आगे चलते हैं अब एनसीईआरटी में जो नेक्स्ट हेडिंग है बेटा वो है एन ओवरव्यू ऑफ सेल नेक्स्ट हेडिंग अब पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे फिर छोटा सा पॉडकास्ट करेंगे चलिए आ जाइए ये रहा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है फटाफट से मैं पोल जनरेट कर देती हूं इसके लिए भी आपको 60 सेकेंड्स देते हैं और हम पोल स्टार्ट कर देते हैं चलिए चलिए बेटा फटाफट से इस क्वेश्चन को कर दीजिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सेल एंड सेलेक्ट विच वन आर ट्रू एंड विच वन आर फॉल्स सेल के बारे में आपको ये कुछ बातें लिखी हुई है न्यूक्लियस इज द मेन एरिना ऑफ सेल्युलर एक्टिविटीज लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल इज एग ऑफ एन ऑस्ट्रेच डायमीटर ऑफ आरबीसी इज नाइन माइक्रोमीटर और ह्यूमन चीक सेल हैज एन आउटर डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल वॉल इन चारों स्टेटमेंट में से बताओ कौन सही है कौन गलत है तो मैं देख पा रही हूं चैट बॉक्स में काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं बी कुछ बच्चे आंसर डी भी लिख रहे हैं चलिए 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 पोल की हालत देखते हैं क्या है भाई चलिए जी तो पोल कह रहा है 91 परसेंट बच्चों ने आंसर दिया है बी चलिए देख लेते हैं सबसे तेज आंसर दिया है डेविड राज ने देन आप देख सकते हैं तो इन पांचों परफॉर्मेंस को मुबारकबाद हो चलिए तो मैम बताएंगे अब आंसर क्या है आ जाइए न्यूक्लियस इज द मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज अरे बाबू न्यूक्लियस नहीं ये गलत हो गया यहां पे क्या ना था ये स्टेटमेंट क्या हो गई ये स्टेटमेंट हो गई गलत क्योंकि तो यहां पे क्या आना था यहां पे आना था साइटोप्लाज्म। ये स्टेटमेंट गलत हो गई साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया ऑफ सेल्युलर एक्टिविटी सेल के अंदर वो मेन एरिया जहां पर अधिकतर सेल की एक्टिविटीज को किया जाता है वो साइटोप्लाज्म है बेटा साइटोप्लाज्म क्या होता है सेमी फ्लूड मेट्रिक्स इन द सेल जिसके अंदर सारी सेल ऑर्गे पड़ी हुई हैं और अकॉर्डिंग टू एनसीआर जितनी भी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस सेल के अंदर होती हैं उनके लिए मीडियम कौन है कहां हो रही हैं वो साइटोप्लाज्म में तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलर एक्टिविटीज लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल इज एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच हाँ ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो लार्जेस्ट लिविंग सेल है ये बात सही है डायामीटर ऑफ आरबीसी इज नाइन माइक्रोमीटर ना नाइन माइक्रोमीटर नहीं होता डायमीटर ऑफ आरबीसी इज सेवन माइक्रोमीटर एनसीआरटी में डेटा गिवन है आरबीसी का डायमीटर सेवन माइक्रोमीटर है गलत हो गया ह्यूमन चीक सेल ह्यूमन चीक सेल यानी कि एनिमल सेल की बात हो गई हैज एन आउटर डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल वॉल अरे बग बुड़ बग पागल बना रहे हो क्या आउटर जो लेयर होती है एनिमल सेल में वो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है भाई प्लांट सेल में सबसे बाहर जो आउटर लेयर होती है वो सेल वॉल है और फिर प्लास्मा तो गलत बात हो गई तो इसका मतलब एक ही स्टेटमेंट सिर्फ करेक्ट है बाकी तीनों फॉल्स हैं तो फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स तो इसका आंसर हो गया बी वेरी गुड तो बेटा मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि पोल में 90% परसेंट के ऊपर बच्चे सही जवाब दे रहे हैं यानी कि आपकी तैयारी बिल्कुल सही हो रही है एनसीआर आप अच्छे से जानते हो तो डरने की जरूरत नहीं है कॉन्फिडेंट हो जाओ आप नीट फोड़ने वाले हो चलिए आ जाइए अब ओवरव्यू ऑफ सेल नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है प्रोकैरियोटिक सेल लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूं कि एनसीआरटी में एन ओवर व्यू ऑफ सेल हेडिंग के अंदर क्या क्या लिखा है ध्यान से सुनते जाओ सारी एनसीआरटी लाइन कबर होंगी ध्यान से सुनते जाना बेटा यह हेडिंग कहती है कि प्लांट सेल के पास सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसे हम सेल वॉल कहते हैं लेकिन वही जैसे अनियन सेल राइट अगर हम ह्यूमन चीक सेल की बात करें तो वहां पे आउटर डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर होता है प्लास्मा मेम्ब्रेन, राइट चलिए फिर ये एनसीआर कहती है कि जितने भी लिविंग सेल हैं जितने भी यू कैरियोटिक लिविंग सेल हैं यू कैरियोटिक लिविंग सेल हैं धरती पर उनके पास एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है डेंस घना मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं और उस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है प्रोमैटिन प्रोमैटिन जिसके पास होता है डीएनए और जो होता है हमारा जेनेटिक मटीरियल फिर ये हेडिंग बात करती है कि जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके पास बाउंड सेल ऑर्गेलीज होती हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे गोल्जी अपेरेटस जैसे लाइसोजोम प्लास्टिड्स राइट लेकिन दो ऐसी सेल हैं जिनके पास अपने खुद की मेमब्रेन नहीं होती है यानी कि वो नॉन मेंब्रेन बाउंड होती हैं एक है सेंट्रोजोम और दूसरा है राइबोजोम तो राइबोसोम और सेंट्रोजोम ऐसी सेल हैं जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। सेंट्रोजोम पाई जाती है केवल यूकैरियोटिक एनिमल सेल में ध्यान से सुनो सेंट्रोजोम एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गनली है जो पाई जाती है यूकैरियोटिक एनिमल सेल में लेकिन वहीं राइबोसोम जो है बेटा वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है आप जानते हो प्रोकैरियोटिक सेल में वो 70s साइज का होता है और यूकैरियोटिक सेल में वो 80s साइज का होता है राइट तो ये सारी बात यहाँ पर कही गई है फिर बात हुई है साइटोप्लाज्म की तो आरती कहती है कि सेल के अंदर एक सेमीफ्लुइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है ध्यान से सुनो सेल के अंदर एक सेमीफ्लुइड मतलब पूरा पानी जैसा नहीं होता सेमी फ्लूड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है और उसी के अंदर सेल की अधिकतर एक्टिविटीज की जाती हैं और उसका नाम है साइटोप्लाज्म इसीलिए एनसीआरटी की लाइन है साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेल्युलर एक्टिविटीज सेल के अंदर जितनी भी मेन एक्टिविटीज होती हैं वो कहां होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर होती ठीक है, फिर ये हेडिंग के अंदर बात होती है कि सेल अलग अलग शेप्स के हो सकते हैं पॉलीगोनल स्फेरिकल, हेक्सागोनल, राइट फिर वहां पे आरबीसी के डायामीटर की बात हुई है जो सेवन माइक्रोमीटर है बैक्टीरिया के नॉर्मल साइज की बात हुई है जो कि तीन से पांच माइक्रोमीटर है राइट right? फिर यहां पे बात होती है कि लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल कौन सा है तो ध्यान रखना लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल है एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच लॉन्गेस्ट सेल की अगर बात हो सबसे लंबा सेल कौन सा है तो आप बोलोगे क्या आप बोलोगे एग्जॉन दैट इज न्यूरोन राइट तो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल की बात होती है तो एगोफेनोस्ट्रिच लॉन्गेस्ट सेल की बात होती है तो न्यू तो न्यूरोन <coughs> और अगर बेटा जी ध्यान से सुनना अगर वो कहता है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल तो आप जानते ही हो किसका नाम लेना है माइको प्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल माइको प्लाज्मा तो ये हेडिंग एनसीआरटी की सारी लाइन मैंने कवर कर दी एन ओवर व्यू ऑफ सेल एनसीआरटी की सारी लाइन कवर्ड तैयार चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग एनसीआरटी में आती है प्रो कैरियोटिक सेल की राइट बेटा नेक्स्ट हेडिंग है प्रो कैरियोटिक सेल की चलो इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन करेंगे और फिर क्या करेंगे बेटा फिर हम पॉडकास्ट करेंगे चलिए ये क्वेश्चन है करके बताओ फटाफट से मैं पोल जनरेट कर रही हूं ठीक है बाबू जी जनरेट करते हैं साठ सेकेंड देंगे आपको ठीक है चलिए करके बता दीजिए बेटा फटाफट से क्वेश्चन करके बता दीजिए फाइंड आउट द करेक्ट मैच विद रिगार्ड टू प्रो कैरियोटिक सेल प्रो कैरियोटिक सेल के बारे में इसमें से करेक्ट मैच कौन सा है बता दीजिए फटाफट से ठीक करेक्ट मैच बताना है बेटा जल्दी से पहले आप करके बताओ फिर मैं सॉल्व करके बताऊंगी तो मैं देख पा रही हूं काफी बच्चे जवाब दे रहे हैं बी ओके हम्म तो चैट बॉक्स में तो काफी बच्चे जवाब दे रहे हैं बी बेटा ध्यान से पढ़ो एक बार और एक बार और ध्यान से पढ़ो चलिए देखते हैं ओ तेरी का ये पोल थोड़ा गड़बड़ाया है ये पोल थोड़ा गड़बड़ाया है 12 परसेंट बच्चे ए आंसर दे रहे हैं 51 परसेंट बच्चे बी आंसर दे रहे हैं 22 परसेंट सी और डी 12 परसेंट बच्चे आंसर दे रहे हैं तो ये पोल में थोड़ा गड़बड़ हुई है यानी कि ये क्वेश्चन बच्चों को लगा है ट्रिकी चलिए मैम बताएंगे क्या है इसका जवाब आ जाइए

पीपीएलओ साइज अबाउट पॉइंट वन मिलीमीटर अरे 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 पॉइंट वन मिलीमीटर सॉरी बेटा मेरी गलती हो गई यहाँ पे मिलीमीटर mm नहीं यहाँ पे माइक्रोमीटर आना यहाँ पे माइक्रोमीटर आना चाहिए था अब बताओ अब क्या होगा आंसर सॉरी बेटा सॉरी सॉरी मेरी गलती हो गई मैंने प्रूफ रीड को किया था लेकिन छूट गया मुझसे सॉरी ये होगा पॉइंट वन माइक्रोमीटर अब बताओ आंसर क्या होना चाहिए सॉरी इसका मतलब पोल गड़बड़ाया है मैम की गलती से बच्चे एकदम ठीक है सॉरी <laughs> बेटा इसका मतलब आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है आप एकदम बढ़िया हो माइक्रोमीटर होगा बेटा ये चलो तो पीपीएलओ का पीपीएल पॉइंट वन माइक्रोमीटर है ये बात सही है एनसीआरटी में जो डायग्राम दे रखे हैं बेटा पांच डायग्राम दे रखे हैं ना जिसमें साइज बता रखा है यूकैरियोटिक सेल का वायरस का बैक्टीरिया का है ना बाबू तो वहां पे ये बात लिखी हुई है कि का साइज लगभग माइक्रोमीटर होता है बात सही बात सही है, देखते हैं। DNA, बड़ी कमाल की बात है बेटा एनसीआरटी की लाइन है बड़ी कमाल की बात है देखो ध्यान से सुनो एनसीआरटी जहां प्रोकैरियोटिक सेल में लिखती है कि जो हमारा बैक्टीरिया होता है बैक्टीरिया बैक्टीरिया के पास सिंगल क्रोमोजोम होता है आप ये सब जानते हो बेटा कि जो बैक्टीरिया होता है जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके पास एक मेन डीएनए होता है मेन डीएनए जो कि ऐसा होता है सर्कुलर आप सब जानते हो ना कैसा होता है वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है उसके पास है ना और ये जो इसका मेन डीएनए होता है इसको हम कहते हैं जीनोमिक डीएनए या सिंगल क्रोमोजोन तो ध्यान से सुनना एनसीआरटी की लाइनें एनसीआर तो टी कहती है बेटा कि जो बैक्टीरियल सेल होता है उसके पास एक सिंगल क्रोमोजोम होता है सिंगल क्रोमोजोम राइट जो उसका जीनोमिक डीएनए होता है जीनोमिक डीएनए कहने के मायने हैं कि ये वो डीएनए है जिसके ऊपर बैक्टीरिया की मोस्ट इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है राइट और ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है लेकिन लेकिन इस डीएनए के ऊपर बैक्टीरियल सेल की मेजर इंफॉर्मेशन होती है इसके अलावा इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया के पास एक और डीएनए होता है इसके अलावा जिसे हम कहते हैं प्लास्मिड 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 जो होता है बेटा वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है प्लास्मिड को हम दूसरे शब्दों में और क्या कहते हैं प्लास्मिड को हम दूसरे शब्दों में कह देते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए माने कि ये मेन डीएनए नहीं है ये बैक्टीरिया का मेन डीएनए नहीं है इस डीएनए के ऊपर बैक्टीरिया की मेजर इंफॉर्मेशन नहीं होती है और प्लास्मिड तो सारे बैक्टीरिया के पास होता भी नहीं है कुछ ही बैक्टीरिया के पास होता है तो ये जो प्लास्मिड होता है जो नेचर में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर ही होता है ये एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए होता है जो कुछ बैक्टीरिया के पास होता है और ये कन्फर करता है यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर मतलब ये बैक्टीरिया को कुछ यूनिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है जैसे उनमें से एक है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जैसे बेटा उनमें से है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ठीक तो ये यहां पे गलत हो गया स्टेटमेंट जो जीनोमिक डीएनए होता है और जो सिंगल क्रोमोजोम होता है वो यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर नहीं देता यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर तो प्लास्मिड देता है बेटा यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर के मायने क्या है कि जो मेन डीएनए है सिंगल क्रोमोजोम है वो तो सारे बैक्टीरिया के पास है जिसपे बैक्टीरिया की मेजर इंफॉर्मेशन होती है लेकिन ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए जो प्लास्मिड है बेटा ये कुछ बैक्टीरिया के पास होता है और वो उन बैक्टीरिया को कुछ ऐसा एक्स्ट्रा प्रोवाइड करता है जो बाकी बैक्टीरिया के पास नहीं होता जैसे कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एंटीबायोटिक्स से खुद को बचा सकते हैं क्यों क्योंकि उनके पास प्लास्मिड होता है राइट बेटा चलिए सेल एनवलप लूजली बाउंड थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर गलत बात गलत बात एनसीआरटी कहती है कि जो सेल एनवलप है वो लूजली बाउंड नहीं बेटा टाइटली बाउंड होता है लूजली बाउंड नहीं टाइटली बाउंड होता है टाइटली बाउंड तो स्टेटमेंट गलत हो गई अब सेल एनवेलप क्या होता है दो मिनट लगा के यहीं के यहीं समझ लेते हैं सेल क्या होता है बेटा ये बात तो समझ में आ गई ना सारे बच्चों को कि जो प्लास्मिड होता है वो एक्स्ट्रा फिनोटिपिक फिनोटिपिक कैरेक्टर देता है phenotypic मतलब जो बाहर से नजर आए जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया में नजर आती है ठीक है कि भाई वो एंटीबायोटिक से खुद को बचा सकता है चलिए सेल एनवलप बेटा तीन लेयर से मिलकर बनता है सबसे बाहर आती है इसमें सेल वॉल सबसे बाहर आती है सेल वॉल ठीक है इसमें आ जाता है आपका ग्लाइकोकैलेक्स बाहर नहीं बार लिखेंगे इसमें तीन लेयर आ जाती है बेटा ग्लाइको सॉरी ग्लाइको आ जाती है सेल वॉल आ जाती है बेटा और सेल मेम्ब्रेन आ जाती है प्लास्मा मेम्ब्रेन जो भी आप लिखना चाहें या प्लास्मा। ठीक है बेटा सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स फिर सेल वॉल और फिर मेम्ब्रेन ये तीन लेयर होती हैं जो टाइटली बाउंड होती है लूजली बाउंड नहीं और ये बिहेव करती है एज सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट एनसीआर की लाइन सुनो कितनी प्यारी है बिहेव एज सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट बिहेव एज सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट माने कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है जो बैक्टीरियल सेल होता है उसके पास सेल एनवलप होता है जो कि थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें ग्लाइको आता है जिसमें सेल वॉल आती है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है और ये तीनों मिलकर एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह बिहेव करते हैं तीनों मिलकर तीनों एकजुट हो जाते हैं और बैक्टीरियल बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्ट करते हैं यानी कि सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह बिहेव करते हैं ठीक है मेरे बच्चों बात समझ में आ गई तो ये बड़ी प्यारी लाइन है एनसीआरटी की चलिए आगे देखते हैं क्रोमैटोफोर एक्सटेंशन फ्रॉम सेल वॉल कंटेनिंग फोटो सिंथेटिक पिगमेंट भाग पागल समझो क्या अबे पागल समझो क्या क्रोमैटोफोर जो है वो सेल वॉल का एक्सटेंशन नहीं है नहीं भैया वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इमेजिनेशन है देखो दो मिनट लगा के यहां समझा देते हैं क्रोमैटोफोर क्या समान है देखो बेटा ये प्लास्मा मेम्ब्रेन है बैक्टीरियल सेल की प्लास्मा मेम्ब्रेन है और ये प्लास्मा मेम्ब्रेन बेटा अंदर की तरफ धस गई धस गई और धसकर इसने बनाया क्रोमैटोफोर तो क्रोमैटोफोर क्या है अरे क्रोमैटो है इन वैजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन वैजिनेशन ऑफ मेम्ब्रेन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का धसा हुआ रूप है सेल के अंदर की तरफ और ऑप्शन में क्या लिखा है कि क्रोमैटो एक्सटेंशन है एक्सटेंशन मतलब बाहर को निकली हुई है और वो सेल वॉल से निकलती है बक ये तो बात किसकी हुई है ये तो बात प्लाजिला पिलई और फिम्बरी की कर दी उन्होंने प्लाजिला पिलई और फिम्बरीई जो होती है बेटा वो बाहर की तरफ निकले हुए स्ट्रक्चर होते हैं वो एक्सटेंशन होती हैं प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन लेकिन क्रोमैटोफोर एक्सटेंशन नहीं है वो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का धसा हुआ रूप है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धस जाती है धस जाती है और एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम कहते हैं क्रोमैटोफोर और इस क्रोमैटोफोर के साथ जुड़े हुए पाए जाते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इसके साथ जुड़े हुए पाए जाते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है ना और ये सारे बैक्टीरिया के पास नहीं होता बेटा क्रोमैटोफोर क्रोमैटोफोर सिर्फ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के पास होता है ओनली इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऐसे सारे बैक्टीरिया जो फोटो कर सकते हैं जिनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं जैसे कि बैक्टीरियो क्लोरोफिल बैक्टीरियो विरिडिन, बैक्टीरियो परप्यूरिन। तो ऐसे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धस जाती है और एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम क्रोमैटोफोर कहते हैं जिससे जुड़े हुए मिलते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स राइट चलिए तो आई होप इस क्वेश्चन के माध्यम से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से मुझे समझ में आया है कि जो बैक्टीरिया होता है उसके पास जो उसका मेन डीएनए होता है उसे मैं जीनोमिक डीएनए कहती हूँ जो सिंगल क्रोमोजोम होता है जो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है लेकिन कुछ बैक्टीरिया के पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए भी होता है जिसे हम प्लास्मिड कहते हैं जो बैक्टीरिया को एक यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर प्रदान करता है जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सेल एनवेलप एक थ्री लेयर का स्ट्रक्चर होता है जो टाइटली बाउंड होता है और सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह बिहेव करता है चलिए आगे चलेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है चलिए मैं पोल जेनरेट कर रही हूं फटाफट से ये क्वेश्चन करके बताओ। आपको इसमें इनकरेक्टली मैच्ड पेयर बताना है जल्दी से बताइए जल्दी से इसका आंसर दीजिए बेटा जल्दी से आंसर दो फटाफट मैं स्क्रीन से हट जाती हूँ ताकि आपको प्रॉपर क्वेश्चन दिखाई दे दिखाई दे जाए इसलिए मैं स्क्रीन से हट जाती हूं आप फटाफट से इसका जवाब दीजिए फिर आगे चलते हैं इनकरेक्टली मैच्ड पेयर बताना है आप तो चैट बॉक्स में मैं जो देख पा रही हूं ये काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं ए चैट बॉक्स में काफी तरह के आंसर्स मिल रहे हैं चलिए तो देखते हैं पोल क्या कह रहा है हम्म तो ये रहा आपके सामने पोल का रिजल्ट 62 परसेंट बच्चे आंसर दे रहे हैं डी और बाकी वैरायटी भी हमारे पास है देखते हैं सबसे तेज आंसर किसने दिया है निक्टोफोल पता नहीं कौन है तो ये टॉप फाइव परफॉर्मेंस है वेरी गुड बेटा चलिए आ जाइए तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या बनना चाहिए इसका आंसर बनना चाहिए बेटा डी यानी कि सिक्सटी टू परसेंट बच्चे आंसर सही दे रहे हैं चलिए देखते हैं जिन बच्चों ने आंसर सही नहीं दिया उन्हें क्या क्या वो गलत सोच रहे हैं देख लेते हैं पिलाई एंड फिम्बरे डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी ये बात बिल्कुल सही है पिलाई और फिम्बरे क्या होते हैं बेटा एक प्रोकैरियोटिक सेल के पास ठीक है ध्यान से सुनो बाहर की तरफ सेल से बाहर की तरफ कुछ चीजें उभरी हुई होती हैं कुछ स्ट्रक्चर उभरे हुए होते हैं जिन्हें हम एक्सटेंशन कहते हैं जैसे क्रोमैटोफोर को तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का धसा हुआ रूप बोला लेकिन पिलई और फिम्ब्रई उभरे हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं माने के एक्सटेंशन होती हैं किसकी सेल वॉल की प्रोटोप्लाजम की राइट पिलई और फिम्बरे बैक्टीरिया के सरफेस पर पाए जाते हैं जिनका मोटिलिटी से कोई लेना देना नहीं है यानी कि पिलाई और फिम्बरे बैक्टीरिया को मूव करने में हेल्प नहीं करते हैं पिलाई का काम क्या होता है बताइए पिलाई का काम क्या होता है पिलाई जो होती है वो काफी सारे बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है फिम्बरे कैसे होते हैं ब्रश लाइक -like स्ट्रक्चर होते हैं ब्रिसल लाइक -like, ब्रश जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर बैक्टीरिया के सरफेस पर इनका काम क्या होता है ये अडेशन प्रोवाइड करते हैं अडहैशन अडैशन क्या होता है बेटा कि जैसे बैक्टीरिया है हम कहते हैं बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है हमारे हाथ पे भी होगा टेबल पे भी होगा राइट पत्थर पे होगा जमीन पे होगा तो जहां पे भी बैक्टीरिया होता है खुद को अटैच करके रखता है राइट खुद को अटैच करके रखता है तो वो किसकी मदद से करके रखता है पिम्बरे की मदद से तो का मतलब होता है कि वो जहां भी होगा पत्थर पे हाथ पे टेबल पे अपने आप को चिपका के रखेगा और उसमें उसकी मदद करते हैं। आप जानते हो बेटा गैस वेक्यूल एक ट्रू वैक्यूल नहीं है ये झूठा वैक्योल है क्यों क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके आसपास अपनी खुद की मेमब्रेन होती है बेटा लेकिन गैस वैक्यूल ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके पास अपनी खुद की मेम्ब्रेन नहीं होती है तो ध्यान रखना सबसे पहले बात ध्यान रखने वाली कौन सी है कि वैक्यूल जो गैस वेक्यूल बैक्टीरिया में पाया जाता है इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर गैस वेक्योल एक ट्रू वैक्यूल नहीं है क्योंकि उसके आसपास अपनी मेम्ब्रेन नहीं होती है और गैस वेक्योल ध्यान से सुनो गैस वेक्योल सारे बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है गैस कुछ ही बैक्टीरिया में पाया जाता है जैसे ग्रीन बैक्टीरिया पर्पल बैक्टीरिया आपने नाम सुना होगा जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और आपने नाम सुना होगा साइनो बैक्टीरिया का जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं राइट तो बेटा गैस वैक्यूल ध्यान रखो एनसीआर की लाइन है

सेडिमेंटेशन होता है और अगर उनको साइज को नापे तो पंद्रह नैनोमीटर बाय ट्वेंटी उनका साइज होता है ये बात बिल्कुल सही है ये का है का पंद्रह नैनोमीटर बाय ट्वेंटी नैनोमीटर साइज होता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का बिल्कुल सही बात है एनसीआरटी का डेटा है अब देखते हैं ये तीनों स्टेटमेंट सही है तो गलत स्टेटमेंट कौन सी है ये वाली पॉलीजोम मैनी mRNAs एज अटैच टू सिंगल राइबोजोम यह स्टेटमेंट गलत है इसकी जगह क्या होना चाहिए था इसकी जगह होना चाहिए था मैनी राइबोजोम्स मैनी राइबोजोम्स अटैच टू सिंगल एम आर एन ए तो यह स्टेटमेंट उल्टी लिखी हुई है अब सारे बच्चे ध्यान से सुन लेंगे पॉलीजोम क्या होता है सारे बच्चे ध्यान से सुन लेंगे Polyzone, या जिसे हम कहते हैं पॉली राइबोजोम पॉलीजोम कह लो या पॉलीराइबोजोम कह लो एक ही बात है देखो बेटा ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे अब आप सारा सिलेबस तो पढ़ ही चुके हो ऐसा तो है नहीं कि आप चीजें नहीं जानते हो आरएनए के ऊपर प्रोटीन बनता है आप जानते हो ना सारे बच्चे जो अपना आरएनए होता है आरएनए के ऊपर प्रोटीन बनाया जाता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से और उसे बनवाने में कौन हेल्प करता है राइबोसोम तो होता क्या है बेटा कि जो एमआरएनए होता है एमआरएनए मैसेंजर आरएनए जिसके ऊपर प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन होती है उससे आकर राइबोसोम जुड़ता है और ये राइबोसोम एमआरएनए के ऊपर पूरा प्रोटीन बनवा देता है ठीक है बेटा और होता क्या है कि जब एम के ऊपर प्रोटीन बन रहा होता है ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से तो एक सिंगल एम के साथ एक ही राइबोसोम जुड़ता है ध्यान से सुनना यू के केस में यू के केस में एक सिंगल एम से एक ही राइबोसोम जुड़ता है तो यू में यह आपको एम दिखाई दे रहा है एक सिंगल एम से सिंगल राइबोसोम ही आकर अटैच होता है अब कुछ बच्चे यहां पे कह देंगे मैम सिंगल का है? दो नहीं दिख रहे हैं आपको अब ये सिंगल राइबोसोम है, ये दो सब यूनिट हैं, एक स्मॉलर सब यूनिट फोर्टी एस और ये सिक्सटी एस तो ये एट्टी एस ये सिंगल राइबोसोम है डायमेरिक राइबोसोम, राइट तो बेटा मेरे प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो प्रो प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता है जी तो मैडम क्या होता है तो ये होता है बेटा मेरे ये होता है ध्यान से देखो क्या होता है बहुत सारे राइबोजोम आकर जुड़ जाते हैं ट्रांसक्रिप्शन के दौरान मैनी राइबोजोम्स तो आप यहां देख पा रहे हो कि कैरियोट्स में क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जब एम के ऊपर प्रोटीन बनाया जाता है तो एक ही राइबोजोम आकर जुड़ता है लेकिन प्रो के केस में जब सिंगल एम के ऊपर प्रोटीन बनाया जाता है तो उससे बहुत सारे राइबोजो आकर जुड़ जाते हैं और इसी को हम कहते हैं पॉलीजोम या पॉलीराइबोजोम करेक्ट बात है बेटा करेक्ट बात है मेरे बच्चों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोकैरियोटिक सेल के लिए आ रहा है आपके स्क्रीन पर मैं पोल जनरेट कर रही हूँ फट से आंसर देना चलिए ये रहा क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करके बताओ स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर फाउंड इन फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, एंड द सरफ़ेस एरिया ऑफ एंड एंजाइमेटिक कंटेंट जल्दी से आंसर दो जल्दी से आंसर दो मेरे बच्चों अरे सॉरी बेटा सॉरी 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 क्या सॉरी बेटा मैंने ट्रांस ट्रांसक्रिप्शन बोल दिया ट्रांसलेशन होगा सुबह सुबह अड्डो की आदत नहीं रही ना अभी सॉरी जब एम आर एन ए के ऊपर जब एम आर एन ए के ऊपर है मैंने ट्रांसक्रिप्शन की बोल दिया रे बहुत ज्यादा एनर्जी हो रही है एनर्जी में समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है सॉरी बेटा सारे बच्चे सुन लो कि एम आर एन ए के ऊपर जब प्रोटीन बनेगा वो ट्रांसलेशन है मैंने गलती से ट्रांसक्रिप्शन बोल दिया सॉरी बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है ना कि फटाफट बच्चों को सारा समझा देना है तो उस चक्कर में थोड़ा सा कंट्रोल कंट्रोल उदय कंट्रोल चलो तो बेटा ट्रांसलेशन होगा वो चलिए इसका आंसर दे दिया बच्चों ने तो मुझे चैट बॉक्स में सी दिखाई दे रहा है चलिए एक बार हम जो तो है क्या हुआ पोल पहले ही स्टॉप हो गया check your results चलिए अगले में करेंगे बेटा कुछ पोल में दिक्कत आ गई अगले में करते हैं चलिए इसका आंसर होगा सी हां जी इसका आंसर होगा सी बिल्कुल बेटा देखो ध्यान से सुनो अभी मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धस जाती है राइट प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धस जाती है कुछ बैक्टीरिया में और अगर उस धसी हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जुड़े हुए हो तो बेटा वो क्या कहलाता है क्रोमैटोर ठीक है जी लेकिन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर अंदर की तरफ जाती है, अंदर की तरफ तरफ धस जाती है धस जाती है इन द फॉर्म ऑफ ध्यान से सुनना बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धस गई इनमेजिनेट हो गई वेसिकल की फॉर्म में राउंड स्ट्रक्चर की फॉर्म में या टिब्यूल ऐसे इस फॉर्म में भी हो सकती है ट्यूब की फॉर्म में या फिर लैमिली की फॉर्म में भी हो सकती है ऐसे भी हो सकती है तो एनसीईआरटी कह रही है कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धस जाती है या तो वेसिकल की फॉर्म में या तो ट्यूब की फॉर्म में या तो लैमिली की फॉर्म में तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मीजोजोम क्या कहते हैं बेटा इस स्ट्रक्चर को हम मीजोजोम और इसके बहुत सारे काम हैं आप जानते हो मीजोजोम के तो बहुत सारे काम हैं ये तो एनसीआर है चलो मैं बताती हूं आपको ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे मीजो के क्या क्या काम है सबसे पहला जब सेल डिवाइड करता है तो मीजोजोम सेल वॉल बनवाने में हेल्प करता है तो मीजोजोम हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन दूसरा जब बाइनरी फिजन हो रहा होता है तो यही मीजोजोम बाइनरी फिजन में भी हेल्प करता है डिवीजन में हेल्प करता है बेटा और जब डिवीजन हो रहा होता है यही मीजोजोम डीएनए रेप्लिकेशन में भी मदद करता है यानी कि डीएनए को डिवाइड करने में भी हेल्प करता है और यह मीजोजोम रेस्पिरेशन में मदद करता है तो ये चारों फंक्शन ध्यान से सुनो मीजोजोम बैक्टीरिया के अंदर रेस्पिरेशन में मदद करता है तो क्रोमैटोफोर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का धंसा हुआ रूप है और मीजोजोम भी प्लास्मा मेम्ब्रेन का धंसा हुआ रूप है लेकिन क्रोमैटोफोर के साथ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जुड़े हुए पाए जाते हैं और मीजोजोम के साथ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जुड़े हुए पाए जाते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पिगमेंट्स क्या बोलोगे बोलोगेट्रीजाइम्स के साथ, जुड़े हुए, के साथ जुड़े हुए. में मदद करता है सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करता है डीएनए रेप्लीकेशन में मदद करता है सेल वॉल ये बाइनरी फिजन में मदद करता है ठीक है अब देखो आपको दिखाई दे रहा है कि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धस जाएगी बेटा तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा देखो जैसे आप पढ़ते हो ना जोलॉजी में कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पास विलई होती है जो सरफेस एरिया बढ़ा देती है ऐसे ही जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ दस जाती है और मीजोजोम बनाती है तो उससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो जो एंजाइमेटिक कंटेंट है वो भी तो बढ़ेगा ना बेटा क्योंकि इसी से एंजाइम जुड़े हुए हैं तो जो एंजाइम का कंटेंट है वो भी बढ़ जाएगा तो देखो कितनी प्यारी लाइन है कि प्लास्मा मेम्ब्रेन के कुछ धसे हुए स्ट्रक्चर जो वेसिकल टिब्यूल या लैमिली की फॉर्म में पाए जाते हैं और जो प्लास्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं और एंजाइमेटिक कंटेंट को भी बढ़ा देते हैं वो कौन है बेटा मेरे वो है कौन है बेटा अब वो है आपका मीजोसो ठीक ध्यान रखना है ये बात चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में फटाफट से कर दीजिए इसको हम करते हैं सॉल्व रिजल्ट ऐसे क्यों आ रहा है देखते हैं कोशिश करते हैं चलो बेटा ऐसे करके बताओ फटाफट से ये रीजन असर्शन का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है प्रोकैरियोटिक सेल से रिलेटेड है जल्दी से करके बताइए इको आर प्लियोर्फिक इन नेचर सेल वॉल क्या होना चाहिए इसका आंसर? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में में बताओ बताओ. और पोल पोल दिखाई दे रहा है आर चलिए देखते हैं रिजल्ट क्या कह रहा है वेरी गुड अगर हम पोल का रिजल्ट देखें तो एटी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट बच्चे आंसर ए बता रहे हैं चलिए ये हमारा सबसे तेज आंसर दिया है हिमांशी सेन ने और बाकी ये पांच परफॉर्मर्स वेरी गुड तो हां बेटा इसका आंसर होगा ए क्यों आ जाइए समझते हैं माइको आप जानते हो एक तरह का बैक्टीरिया है जो pleomorphic. Pleomorphic का मतलब होता है वेरिएबल इन शेप वेरिएबल इन शेप माने शेप नॉट फिक्स्ड माइकोप्लाज्मा की जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती है शेप बदलती रहती है इस नेचर को प्लियोम नेचर कहते हैं फिर दूसरी स्टेटमेंट कह रही है माइकोप्लास्मा लैक सेल वॉल। माइकोप्लास्मा के पास सेल वॉल नहीं होती बात सही है दोनों बातें सही है और ऊपर लिखी हुई बात नीचे नीचे लिखी हुई ऊपर लिखी हुई जो बात है वो बिल्कुल करेक्ट रीजन है बेटा वॉल का, का काम क्या होता है वॉल का काम होता है सेल को एक फिक्स शेप देना है ना लेकिन माइक्रोप्लास्मा के पास क्योंकि सेल वॉल नहीं होती इसीलिए उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती तो इसीलिए इसका आंसर क्या बन जाएगा बेटा ए बन जाएगा ठीक चलिए आ जाइए मेरे बच्चों अब नेक्स्ट हेडिंग चैप्टर की शुरू होती है यू कैरियोटिक सेल तो प्रो कैरियोटिक सेल हेडिंग खत्म हो गई उससे रिलेटेड हमने चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए अब दो मिनट का पॉडकास्ट सारे बच्चे पेन नीचे रख दो दिमाग ध्यान से यहां कॉन्सेंट्रेट करो प्रो सेल की सारी लाइने कवर करते हैं एनसीआरटी तो कहती है बेटा एक प्रो कैरियोटिक सेल सबसे बाहर चलते हैं एक प्रो कैरियोटिक सेल के पास सबसे बाहर की लेयर जो होती है वो ग्लाइको होती है जो कि बनी होती है आपकी म्यूकोपोलीसेक्राइड की अब ध्यान से सुनना प्रोकैरियोटिक सेल के पास जो ग्लाइकोकैलेक्स की परत है वो जरूरी नहीं है कि सारे बैक्टीरिया के पास हो सुनते जाओ ध्यान से ध्यान से सबसे बाहर से चालू करेंगे सबसे बाहर कौन सी लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स जो म्यूकोपोलीसेक्राइड की बनी है हो भी सकती है बैक्टीरिया के पास नहीं भी हो सकती ये दो तरह की होती है कैप्सूल और स्लाइम लेयर लेयर अगर यही लेयर सकत है सकत है रिजिड है तो ये कैप्सूल कहलाती है लेकिन अगर यही ग्लाइकोकैलिक्स लूज है लूज शीत की फॉर्म में प्रेजेंट है तो इसी ग्लाइकोकैलिक्स को हम स्लाइम लेयर कह देते हैं सही बात है बेटा ग्लाइकोकैलिक्स का काम क्या है बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करना और बैक्टीरिया को डिहाइड्रेशन से बचाना सूखने से डिहाइड्रेशन से बचाना चलिए ग्लाइकोकैलेक्स के अंदर की तरफ फिर आती है सेल वॉल सेल वॉल सारे बैक्टीरिया के पास होती है सिर्फ माइकोप्लाज्मा को छोड़कर ग्लाइकोकैलेक्स हो भी सकती है नहीं भी हो सकती लेकिन सेल वॉल जो है ग्लाइकोकैलेक्स के अंदर की तरफ जो सेल वॉल प्रेजेंट है वो सारे बैक्टीरिया के पास होती है माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सेल वॉल नॉन सेल्यूलोजिक होती है नेचर में माने सेल वॉल के पास नहीं होता होता पेप्टाइडो है जिसमें म्यूरामिक एसिड प्रेजेंट होता है चलिए सेल वॉल के अंदर की तरफ फिर आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बिल्कुल लगभग वैसा ही होता है जैसा यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है फिर अंदर की तरफ चलते हैं उसके पास है साइटोप्लाज्म अब साइटोप्लाज्म में प्रोकैरियोटिक सेल के पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गनली नहीं होती है उसके पास सिर्फ एक सेल ऑर्गेनली है और वो है राइबोसोम, जो कि आप जानते हो नॉन मेंब्रेन बाउंड है सेवेंटी एस साइज का है राइट और वो पॉली राइबोजोम की फॉर्म में पाया जाता है सिंगल एमआरएनए से बहुत सारे राइबोजोम जुड़े हुए पाए जाते हैं चलिए फिर इसके बाद राइबोसोम के अलावा उसके पास सेंटर में बीचों बीच प्रेजेंट है जीनोमिक डीएनए जिसको हम सिंगल क्रोमोजोम कहते हैं जो कि डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए प्लास्मिड बैक्टीरिया में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता अब प्लास्मा मेम्ब्रेन से जुड़े हुए दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं बैक्टीरिया में एक है क्रोमैटोफोर और दूसरा है मीजोजोम अभी मैंने आपको बताया क्रोमैटोफ्रो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का धसा हुआ रूप है लेकिन वो केवल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है मीजोजोम भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का धसा हुआ रूप है जिसके साथ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जुड़े हुए पाए जाते हैं और जिसके और भी बहुत सारे काम हैं जो हम डिस्कस कर चुके अब चलते हैं एक्सटेंशन की बात करते हैं बेटा एक्सटेंशन की तो जो बैक्टीरिया का सेल है उससे कुछ पतली पतली फिलामेंटस एक्सटेंशंस बाहर आती हैं जो सेल वॉल की प्रोटोप्लाज्म की एक्सटेंशंस होती हैं उनमें से एक है फ्लैजिला फ्लैजिला हेल्प करता है बैक्टीरिया को मोटिलिटी में राइट सारे बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला नहीं होता कुछ के पास होता है कुछ के पास नहीं होता जैसे साइनो बैक्टीरिया माइक्रोप्लाजमा इनके पास फ्लैजिला नहीं होता है राइट फ्लैजिला के पास तीन पार्ट होते हैं हुक बेसल बॉडी हुक और फिलामेंट जिसमें से जो फिलामेंट होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है ठीक फिर पिलाई और फिम्बरे पिलाई और फिम्बरे भी सरफेस पर प्रेजेंट होती हैं, सारे बैक्टीरिया में नहीं होती कुछ में होती हैं, कुछ में नहीं होती हैं। पिलाई का काम रिप्रोडक्शन में होता है और जो फिम्बरे होती है वो अडेशन में हेल्प करे फिर बैक्टीरिया के पास पाई जाती हैं बेटा इंक्लूजन बॉडीज अब ये इंक्लूजन बॉडी क्या होती है मैम तो इंक्लूजन बॉडी होती हैं बेटा ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं माने इनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती और इनके अंदर स्टोर होता है फूड माने के बैक्टीरिया के अंदर कुछ ऐसी स्पेशल बॉडीज पाई जाती हैं जिनके अंदर खाना स्टोर रहता है और वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती हैं ऐसी बॉडी को हम कहते हैं इंक्लूजन बॉडीज जैसे पॉलीहाइड्रोब्यूसब्यूटाइरेट ग्रेन्योल्स जैसे सल्फर ग्रेन्यूल्स जैसे आपके साइनोफाइशियन ग्रेन्योल्स राइट ये एग्जाम्पल आ जाते हैं और गैस वैक्यूल गैस वैक्यूल भी एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसको इंक्लूजन बॉडी ही कहा जाता है जो कि पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया ग्रीन और पर्पल बैक्टीरिया राइट चलिए तो एनसीआरटी की हर एक लाइन मैंने कवर कर दी है प्रोकैरियोटिक सेल की एक बार एनसीआरटी पढ़ लेना मामला तैयार चलिए बेटा अब चलते हैं यूकैरियोटिक सेल पर और यूकैरियोटिक सेल में सबसे पहले हम कवर करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आ जाओ चलो भाई क्वेश्चन करके बताओ पोल जेनरेट कर रही हूं जल्दी से क्वेश्चन करके बताओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है जल्दी से करके बताओ हम्म फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट incorrect रिस्पेक्ट टू to fluid एक मॉडल ऑफ membrane? ध्यान से करना इस क्वेश्चन को चैट बॉक्स में काफी आंसर देख पा रही हूं काफी बच्चे ए लिख रहे हैं कुछ बी लिख रहे हैं कुछ सी लिख रहे हैं चलिए पोल का रिजल्ट देख लेते हैं क्या है 86% सिक्स परसेंट बच्चों ने आंसर दिया है बी और देखते हैं किसने सबसे तेज दिया है डॉक्टर ओके तो यह पांच टॉप परफॉर्मर वेरी गुड ये so, yes, बेटा पोल के साथ ही जाएंगे इसका आंसर होगा बी चलिए जिन बच्चों ने गलत आंसर दिया है, देखेंगे क्यों इंटीग्रल प्रोटीन आर पार्शली और टोटली बरीड इन देंब्रेन देखो मेरे बच्चों प्लास्मा मेंब्रेन के पास दो तरह के प्रोटीन होते हैं एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक राइट right? एक्सट्रेंसिक प्रोटीन्स जो होते हैं उनको आसानी से अलग किया जा सकता है लेकिन जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं जो intrinsic proteins होते हैं उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से से आसानी से अलग नहीं किया जा सकता और कुछ इंटीग्रल प्रोटीन ऐसे होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पूरी तरह धसे रहते हैं और कुछ ऐसे रहते हैं जो उड़े से बाहर निकले रहते हैं थोड़े से अंदर धसे रहते हैं तो यस बात बात बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि इंटीग्रल प्रोटीन जो होते हैं वो पूरी तरह मेम्ब्रेन में धसे हुए हो सकते हैं और पार्शियली भी मेम्ब्रेन में धसे हुए हो सकते हैं द नॉन पोलर टेल ऑफ अनसे हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम हैं, पहले मैं आपको तीसरी स्टेटमेंट बताती हूँ द क्वॉसि फ्लू नेचर ऑफ लिपिड एनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन ये स्टेटमेंट सही है देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड प्रेजेंट है वो मूवमेंट दिखाते रहते हैं ऐसा भी ऐसा भी और ऐसा भी जो लिपिड्स होते हैं वो लेटरल मूवमेंट भी दिखाते रहते हैं वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट भी दिखाते हैं और वो रोटेशनल मूवमेंट भी दिखाते हैं यानी कि जो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड प्रेजेंट है बेटा वो रिजिड नहीं है वो सख्त नहीं है वो मूव करते रहते हैं यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड है उनका नेचर फ्लूड जैसा है बहने जैसा है कोसी फ्लूड नेचर है और उसी लिपिड के अंदर प्रोटीन धसे हुए हैं तो क्योंकि लिपिड का जो नेचर है वो क्वोसी फ्लुड है इसीलिए उसके अंदर जो प्रोटीन धसे हुए हैं वो भी कैसा मूवमेंट दिखाते हैं लेटरल मूवमेंट दिखाते रहते हैं तो ये बात बिल्कुल सही है द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज इन डिफरेंट सेल टाइप्स ये बात भी बिल्कुल सही है प्लास्मा मेम्ब्रेन के अंदर कितना लिपिड होगा और कितना प्रोटीन होगा ये फिक्स नहीं होता है ये सेल टू सेल बदलता है यानी कि गलत स्टेटमेंट है ये वाली और ये गलत क्यों है द नॉन पोलर टेल ऑफ हो अन सैचुरेटेड नहीं रे सैचुरेटेड अन नहीं सैचुरेटेड या आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं है बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो ये गलती हो गई यहां पे अनसेचुरेटेड की जगह सैचुरेटेड होना चाहिए ठीक क्या कह रही है ये लाइन ये लाइन कह रही है भैया जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें लिपिड्स होते हैं उसमें लिपिड्स होते हैं है, और ये जो लिपिड है ये पूरा लिपिड है इसका ये हेड हेड होता है पोलर हेड पोलर हेड और ये है टेल ये पूछ है ये नॉन पोलर होती है नेचर में ठीक है बेटा तो जो ये सर है ये तो पोलर होता है पोलर का मतलब हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग तो हेड होता है हाइड्रोफिलिक पोलर होता है नेचर में और जो टेल होती है ये नॉन पोलर होती है नेचर में यानी कि हाइड्रोफोबिक होती है तो जो ये टेल होती है बेटा जो पूछ होती है ये पानी से डरती है इसीलिए इसको अंदर की तरफ रखा जाता है ताकि इसको एक्वस एनवायरमेंट से बचाया जा सके माने इसको पानी से बचाया जा सके और इसमें कौन से हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होते हैं इस पूछ में इस पूछ में प्रेजेंट होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ओल जनरेट कर रही हूं फटाफट से करके बताओ हा विच वन देखो क्या कमाल की बात हुई है यहां पर विच वन इज नॉट इनकरेक्ट फॉर प्लास्मा मेमरी विच वन इज नॉट इनकरेक्ट यानी कि करेक्ट बताना है गलती नहीं करनी बेटा बच्चे बहुत जल्दीबाजी करते हैं देखो सवाल क्या कह रहे हैं विच वन इज नॉट इनकरेक्ट यहाँ पर सिली मिस्टेक होती है इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना इनमें सिली मिस्टेक होती है बच्चा नॉट पढ़ता ही नहीं है बच्चा इनकरेक्ट पढ़ता है यानी कि हमें गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है नहीं रे सही विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताओ चित्ती करके बताओ जल्दी से क्या होगा इसका <laughs> इसको बेटा इसको क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे एक सेकेंड इट इज परमेबल टू सम इट अलाउज इसको पैसिव कर लो हुँ. अब दो आंसर इसको पैसिव कर लेते हैं अब आंसर दो हम्म अब सही है अब आंसर दो बेटा इसको पैसिव करके आंसर दो चलो फिर से स्टॉप करके पोल को फिर से जनरेट कर लेते हैं चलो पोल को फिर से जनरेट कर देती हूं क्या हो गया हाँ जी चलिए छोड़िए चलो देखते हैं विच वन इज करेक्ट फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लास्मा नॉट इन करेक्ट फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाओ देखते हैं इट इज सेलेक्टिवली सेलेक्टिवलीमीएबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ इट बिल्कुल सही बात है एनसीआर की एज इट इज लाइन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमीएबल है टू मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ईदर साइड ऑफ इट मतलब अगर बाहर से किसी मॉलिक्यूल को अंदर आना है या अंदर से किसी मॉलिक्यूल को बाहर जाना है तो हां प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के लिए सेलेक्टिवली परमेबल होती है यह बात बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है इसमें कोई दिक्कत नहीं एनसीआरटी की लाइन है इट अलाउज न्यूट्रल सोलूट टू पास थ्रू ओनली बाय कैरियर प्रोटीन गलत ये गलत बात है सोडियम पोटेशियम परफॉर्म्स पैसिव ट्रांसपोर्ट ये बात गलत है यानी के सही आंसर सारे सही नहीं है यानी कि सही आंसर इसका बन जाएगा ए तो करेक्ट आंसर विल बी ए ओके चलिए अब मैं समझाती हूं यहां पे क्या बात हुई है बेटा आ जाओ समझो बात को सोडियम पोटेशियम जो पंप होते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट परफॉर्म करते हैं बेटा है ना हमें गलत इसमें नॉट इनकरेक्ट एड हो गया नॉट यहां पे गलती से टाइप कर दिया उन्होंने और कोई नहीं मैंने क्वेश्चन ही बदल दिया इसके हिसाब से टाइप करने के लिए दिया था इनकरेक्ट उन्होंने नॉट भी लगा दिया कोई बात नहीं हमने क्वेश्चन ही बदल दिया तो नॉट इन करेक्ट का मतलब करेक्ट हमें बताना है तो अब इन सारे स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट मुझे सिर्फ ये वाली नजर आ रही है अब यह गलत क्यों है आ जाओ समझो बेटा ध्यान से समझना इस बात को एनसीआर कहती है ध्यान से सुनना एनसीआर कहती है न्यूट्रल सोल्यूट क्या है जिसपे कोई चार्ज ना हो न्यूट्रल सोलूट तो टी कहती है कि जो न्यूट्रल सॉल्यूट होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार कर जाते हैं सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से सिंपल डिफ्यूजन वो आराम से पार कर सकते हैं न्यूट्रल सोल्यूट डिफ्यूजन के माध्यम से पार कर सकते हैं उसने क्या लगा दिया ओनली बाय कैरियर प्रोटीन ओनली लगा दिया ओनली गलत ये कह रहा है कि जो न्यूट्रल सॉल्यूट होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को केवल कैरियर प्रोटीन के माध्यम से ही पास कर सकता है भक् पागल हो क्या एनसीआर कहती है कि जो न्यूट्रल सोल्यूट है वो प्लास्मा को डिफ्यूजन के माध्यम से पार कर सकते हैं फिर एनसीआरटी कहती है कि जो पानी है वो प्लास्मा मेम्ब्रेन को ऑस्मोसिस से पार कर सकता है फिर एनसीआरटी कहती है कि कुछ ऐसे ध्यान से सुनना कुछ ऐसे पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पाते हैं तो उनको पार करने के लिए कुछ कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है और इसी को हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे फटफट -फट से सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे सुन रहे हो क्या बात कही मैंने एनसीआर क्या कह रही है कि जो न्यूट्रल सोल्यूट है वो डिफ्यूजन से पार हो जाते हैं पानी ऑस्मोसिस से पार हो जाता है ध्यान से सुनना ये सवाल आ सकता है और कुछ ऐसे पोलर मॉलिक्यूल होते हैं पोलर मतलब पोलर मतलब हाइड्रोफिलिक कुछ ऐसे पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्लाज्मा को पार नहीं कर पाते हैं तो वहां पे कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है और इसको हम कहते हैं क्या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन लेकिन कुछ ऐसे चार्ज्ड आयंस होते हैं जो के सेल के अंदर अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाते हैं और ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं अगेंस्ट द मतलब कॉन्सेंट्रेशन के खिलाफ कम से ज्यादा की तरफ जाते हैं और उसका एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप तो सोडियम पोटेशियम पंप एग्जाम्पल बनता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो कि अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है और वहां पे एनर्जी का खर्चा होता है ठीक है मेरे बच्चों चलिए तो प्लास्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड ये दो क्वेश्चन हुए जिससे मुझे उम्मीद है आपको काफी सारा रिविजन हुआ होगा अब फटाफट से दो मिनट का पॉडकास्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेकर जल्दी से सुन लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है वो है फ्लूड मोजेक मॉडल या सिंगर निकोलसन मॉडल ये कहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन दोनों मिक्स पाए जाते हैं लिपिड अधिकतर लिपिड जो पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो फॉस्फोलिपिड्स और फॉस्फोग्लेसराइड होते हैं राइट जिनके अंदर प्रोटीन धसे रहते हैं किसी भी ध्यान से सुनना अभी मैंने आपको बता दिया कि लिपिड लेयर में जो ऊपर का सर होता है वो कैसा होता है पोलर होता है और जो पूछ होती है वो नॉन पोलर होती है जिसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ठीक प्रोटीन्स दो तरह के होते हैं एक्सट्रेंजिक इंट्रेंजिक एक्सट्रेंजिक को आसानी से अलग किया जा सकता है इंट्रेंजिक को नहीं इंट्रेंजिक में कुछ पूरे धसे हुए होते हैं कुछ आधे धसे हुए होते हैं आरबीसी रेड ब्लड सेल में जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो 52 परसेंट होता है और लिपिड कंटेंट 40 परसेंट होता है और ये सेल टू सेल वेरी करता है प्लास्मा में इनके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं जो प्रोटीन या लिपिड से जुड़े हुए पाए जाते हैं राइट right? अब फंक्शंस की बात करते हैं प्लास्मा मेम्ब्रेन का जो नेचर होता है वो फ्लूड नेचर होता है राइट right? वो वो रिजिड नहीं होती सखत नहीं होती जिसकी वजह से वो सेल ग्रोथ को अलाउ करती है वो एंडोसाइटोसिस को अलाउ करती है वो एक्सोसाइटोसिस को अलाउ करती है और वो सेल टू सेल इंटरेक्शन को अलाउ करती है और वो अपने अक्रॉस ट्रांसपोर्ट को अलाउ करती है ट्रांसपोर्ट मैंने आपको बता ही दिया अगर न्यूट्रल सॉल्यूट्स हैं तो सिंपल डिफ्यूजन पानी है तो ऑस्मोसिस पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो कैरियर प्रोटीन से होगा और अगर चार्ज्ड आयन हैं जैसे सोडियम पोटेशियम पंप्स वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ठीक चलिए तो ये छोटा सा पॉडकास्ट हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए आगे चलते हैं अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक सेल वॉल चलिए सेल वॉल से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सेल वॉल ऑफ हाइयर प्लांट्स हाइयर प्लांट्स की सेल वॉल के बारे में क्या सही है क्या सही है चलिए पोल जनरेट कर देते हैं बेटा पोल स्टार्ट कर दिया फटाफट से जवाब देंगे ध्यान से पढ़ेंगे अगर हम हायर प्लांट्स में सेल वॉल की बात करें तो क्या सही है जल्दी से जवाब दो आंसर दे रहे हैं सारे बच्चे चैट बॉक्स में आंसर दे रहे हो फटाफट से आंसर दो हाँ जी देखते हैं ओके okay, तो यहां पर पोल का रिजल्ट बता रहा है 54 परसेंट बच्चे आंसर दे रहे हैं सी ओके okay, जी चलिए तो हाँ, इसका आंसर होगा सी क्यों आ जाओ देखते हैं हायर प्लांट्स में अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं बेटा इट डज नॉट प्रोजेस प्रोटीन गलत बात है एनसीआरटी कहती है हायर प्रोटीन हायर प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है बेटा हायर प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है उसमें क्या क्या बता रही है एनसीआर होता है उसमें हेमी सेल्यूलोज होता है उसमें सेल्यूलोज होता है उसमें, पेक्टिन होते हैं और उसमें प्रोटीन होते हैं बेटा तो ये एनसीआरटी की लाइन है मैं कुछ नहीं कह रही हायर प्लांट्स में सेल वॉल में ये चार चीजें होती हैं। तो ये बात तो गलत हो गई इट डज नॉट प्रोजेस प्रोटीन वॉल में प्रोटीन होते हैं प्राइमरी वॉल इज फॉर्म्ड इनर टू द सेकेंडरी वॉल गलत हो गया सेकेंडरी वॉल प्राइमरी वॉल से अंदर की तरफ बनती है प्राइमरी वॉल बाहर होती है और प्राइमरी वॉल से अंदर की तरफ सेकेंडरी वॉल बनती है तो ये स्टेटमेंट उल्टी लिख दी इट इज नेवर ट्रेवर्स बाय प्लास्मोडेजमेटा गलत बात एनसीआरटी साफ साफ कहती है कि प्लास्मोडेजमेटा सेल वॉल को भेदते हुए सेल वॉल को भेदते हुए दूसरे सेल के अंदर चला जाता है यानी कि जो प्लास्मोडेजमेटा होता है वो सेल वॉल को ट्रैवर्स कर सकता है भेद सकता है उससे बाहर आ सकता है और दूसरे सेल से कनेक्टिविटी से बैठा सकता है तो ये बात भी गलत है सेल वॉल सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करती है ये बात सही है राइट करेक्टिविटा चलिए आगे चलते हैं अब चलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पर आ जाइए अच्छा सेल वॉल में क्या पॉइंट्स याद रखने हैं ध्यान रखना है बेटा एनसीआर में एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि एल के सेल वॉल में क्या क्या होता है एल के सेल वॉल में सेलूल होता है गैलेक्टन्स होते हैं मैनन्स होते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट होता है राइट और सेल वॉल के पास एक और चीज होती है मिडिल लैमिला जो कि कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट से बना होता है और मिडिल लैमिला का, का काम होता है दो सेल को जोड़कर रखना ठीक है और प्लास्मोडेजमेटा का बात आपको बताइए जो दो सेल को कनेक्ट करता है और सेल वॉल और प्लास्मा मेम्ब्रेन दोनों को भेज है चलिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पर चलते हैं ये रहा क्वेश्चन आपके सामने ओल जेनरेट कर रहे हैं जवाब दीजिए <coughs> आपको बतानी है कि इनमें से कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है फटाफट से बताओ ओ सॉरी इनकरेक्ट है सॉरी कितनी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है बताना है सोच लिया सारी स्टेटमेंट पढ़ ली आपको बताना है इनमें से कितनी गलत है ना ना ना। देखते हैं 45% बच्चे आंसर दे रहे हैं पोल काफी वो है 45% बच्चे आंसर दे रहे हैं ए 54 दे रहे हैं बी चलिए देखते हैं सबसे तेज आंसर दिया युवराज ने ओके जी इसका आंसर बनेगा बेटा ए जिन बच्चों ने आंसर सही नहीं दिया देख लेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है पूरे सेल के स्पेस को दो भागों में बांट देना ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो उसके अंदर का स्पेस होता है उसको ल्यूमिनल कहते हैं और जो बाहर का स्पेस होता है उसको एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कहते हैं ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस बिल्कुल सही बात है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो न्यूक्लियस से ही तो बाहर निकलता है न्यूक्लियस से ही तो अराइज होता है जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन होती है उसी से तो ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाहर आता है बेटा है ना तो ये बात बिल्कुल सही है फिक्स नंबर ऑफ सिस्टरनी कॉम्प्लेक्स ये बात गलत है ये बात गलत है एनसीआरटी की लाइन है एनसीआरटी कहती है कि गोल्जी बॉडी में जो नंबर ऑफ सिस्टरनी होती हैं, वो फिक्स नहीं होती हैं वो चेंज हो सकती हैं। सेल टू सेल और स्पीशीज टू स्पीशीज ये बात गलत है दसिस एंड ऑफ गोल्जी अपेटस आर डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड ठीक है गोल्जी बॉडी की जो सिस्टरनी होती है एक सिस फेस होता है और एक ट्रांस फेस होता है जिसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगी वो दोनों बिल्कुल अलग होते हैं सिस फेस न्यूक्लियस की तरफ होता है और ट्रांस फेस न्यूक्लियस से दूरी पर होता है लेकिन फिर भी वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं ये बात सही है द गोल्जी कॉम्प्लेक्स रेयरली रिमेन्स इन एसोसिएशन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कह रहा है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ा हुआ नहीं पाया जाता अरे बुड़बक अगर वो जुड़ा हुआ नहीं पाया जाता तो क्या वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होता गलत गलत स्टेटमेंट गोल्जी कॉम्प्लेक्स अक्सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्लोज एसोसिएशन में पाया जाता है तो कितनी स्टेटमेंट गलत है थर्ड और फिफ्थ और ये बिल्कुल एनसीआरटी के लाइन है बेटा एज इट इज चलिए तो आंसर हो जाएगा ए नेक्स्ट क्वेश्चन गोल्जी गोल्जियापैरेटिस के बारे में क्या बात सही है पोल जनरेट कर रहे हैं फटाफट से आंसर देंगे ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर गॉलजी पैरेटस जल्दी बताएंगे बेटा मेरे साथ बने रहे सारा चैप्टर तैयार हो जाएगा जल्दी आंसर देंगे इसका करेक्ट बताना है आपको करेक्ट आंसर चैट बॉक्स में काफी सारे आंसर्स मिल रहे हैं चलिए पोल देख लेते हैं So, 81% परसेंट बच्चों ने आंसर दिया है सी सबसे तेज आंसर दिया है हार्दिक ने और बाकी ये टॉप फाइव परफॉर्मर्स हैं चलिए देख लेते हैं इसका आंसर होगा सी करेक्ट बिल्कुल सही बताया बेटा बच्चों ने ओजेस एंजाइम्स भक एंजाइम तो लाइसोजोम में होते हैं गलत नंबर ऑफ प्रोटीन राइबोसोम्स ऑन ईआर फ्यूज विद्रांसफेस नहीं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है वो प्रोटीन पैक होकर आते हैं और वो गोल्जी बॉडी के ट्रांसफेज के साथ फ्यूज नहीं होते वो सिस फेज के साथ फ्यूज होते हैं तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत ट्रांसफेज नहीं आना था यहाँ पेस आना था रे ये क्या कर दिया इट पोजेस हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स गलत हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स तो लाइसोजोम के पास होते हैं द सिस फेस ऑफ गोल्जी रिमेनस इन क्लो एसोसिएशन ये बात सही है जो गोल्जी बॉडी का सिस सि होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ लगभग जुड़ा हुआ पाया जाता है यह बात सही है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से रिलेटेड फटाफट से ये वाला क्वेश्चन करके बताओ तो जान जाऊं ओल जनरेट कर रही हूं ये वाला क्वेश्चन करके बताओ तो मान जाए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है फटाफट से करके बताओ इसमें एनसीआरटी की कुछ लाइनें बहुत ही गजब तरीके से जो है आपको समझ आएंगी कलिया चलिए तो देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर सही दिया है क्या बात है वेरी गुड 84 परसेंट बच्चों ने आंसर सही दिया है वेरी गुड आई एम इम्प्रेस्ड बहुत अच्छी बात है बेटा चलिए तो इसका आंसर है डी ये देखो क्या समझाना चाह रहा है बेटा क्या समझाना चाह रहा है देखो ध्यान से सुनना इसके लिए मैं आपको कुछ समझाती हूँ यहाँ पे ये हमारा सेल है और सेल में ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे जुड़ा हुआ है न्यूक्लियस से न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उससे जुड़ा हुआ है हमारा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक अब ध्यान ध्यान से से सुनो एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रेटिकुलम के के अंदर अंदर क्या बने के अंदर बने प्रोटीन सुनेंगे सारे बच्चे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बने बेटा प्रोटीन ठीक ये प्रोटीन को पैक कर दिया जाता है वेसिकल में सारी एनसीईआरटी की लाइन ने कुछ भी फालतू नहीं बता रही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो प्रोटीन बनाया ये प्रोटीन पैक कर दिया गया एक वेसिकल में और इस वेसिकल को हम कहते हैं ट्रांजिशन वेसिकल इस वेसिकल को हम कहते हैं ट्रांजिशन वेसिकल अब यह है हमारी गोल्जी बॉडी यह है गोल्जी बॉडी की सिस्टर ने यह है गोल्जी बॉडी की सिस्टर ने ठीक बेटा न्यूक्लियस की तरफ जो फेस होता है वो होता है जिसे हम कॉन्वेक्स फेस भी कहते हैं या फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं तो गोल्जी बॉडी का जो चेहरा न्यूक्लियस की तरफ होता है वो कॉन्वेक्स या फॉर्मिंग कहलाता है और जो दूरी पर होता है वो ट्रांस मच्योरिंग मच्योरिंग या फिर कॉन्केव फेस कहलाता है ठीक है मेरे बच्चों या फिर कॉन्केव फेस कहलाता है तो देखो हुआ क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बनाया उसको ट्रांजिशन वेसिकल में पैक कर दिया और ये ट्रांजिशन वेसिकल किसके साथ आकर फ्यूज हो गया ये फ्यूज हो गया गोल्जी बॉडी के सिस फेज के साथ और जैसे ही ये फेज के साथ फ्यूज हुआ सिस फेज के साथ इसने प्रोटीन डाल दिया सिस्टर्नी के अंदर ये डाल दिया प्रोटीन अब यहां पे क्या होगा इसमें बदलाव किए जाएंगे इस प्रोटीन के में कुछ चेंजेस किए जाएंगे मॉडिफिकेशन जाएंगे और चेंजेस होने के बाद क्या होगा यहां पर एक और वेसिकल बनाई जाएगी ठीक है? और इसमें मॉडिफाइड प्रोटीन को पैक कर दिया जाएगा यह क्या है बेटा यह है मॉडिफाइड प्रोटीन बदला हुआ प्रोटीन तो देखो यह प्रोटीन पैक होकर आया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किसके साथ जाकर फ्यूज हो गया गोल्जी बॉडी के सिस फेज के साथ जाकर फ्यूज हो गया और प्रोटीन को डाल दिया गया सिस्टरनी के अंदर सिस्टरनी के अंदर इसमें कुछ बदलाव किए गए जैसे इसके साथ लिपिड जोड़ दिया गया तो इसका हो गया क्या ग्लाइकोसाइलेशन फिर जो बदला हुआ प्रोटीन है अब उसको बाहर भेजना है तो इसको दोबारा से एक वेसिकल में पैक कर दिया गया और ये वेसिकल जाके किसके साथ फ्यूज हो जाता है वेसिकल जाकर फ्यूज हो जाता है प्लास्मा मेम्ब्रेन के और फिर इसको सेल के बाहर धक्का दे दिया जाता है कि भैया जाओ जहां आपकी जरूरत है वहां जाकर अपना काम करो तो देखो बेटा क्या हो रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये क्या दिखाई दे रही है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकला क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकला वेसिकल यह वेसिकल किसके साथ जाकर जुड़ा सिस्फेज के साथ फिर ट्रांस ट्रांसफेज से क्या बाहर निकली एक और वेसिकल फिर वो वेसिकल किसके साथ जाकर जुड़ गया प्लाज्मा के साथ और फिर जो प्रोडक्ट है उसको बाहर फेंक दिया गया ठीक है मेरे बच्चों तो चलो आ जाओ अब अब समझ में आएगा ये सवाल सबसे पहले क्या आएगा न्यूक्लियर एनवेल बी न्यूक्लियर एनवेलप से कौन जुड़ा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या निकला वेसिकल ट्रांजिशन वेसिकल वो जाकर किसके साथ जुड़ा गोल्जी बॉडी के साथ फिर गोल्जी बॉडी से एक और वेसिकल बाहर आया और वो किसके साथ जाके जुड़ गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ और फिर जो प्रोटीन या लिपिड हैं उनको सेल के बाहर धक्का दे दिया गया ताकि वो जहां इस्तेमाल होने हैं इस्तेमाल हो सके समझ में आ गया बेटा चलिए नेक्स्ट करो ये वाला क्वेश्चन करो लाइसोजोम्स के बारे में क्या बात गलत है ये हमें ढूंढनी है लाइसोजोम्स के बारे में क्या बात है वो वो हमें ढूंढ बेटा पहले मुझे ये बताओ चैट बॉक्स में कि क्या मैं सही जा रही हूँ क्या मैं सही जा रही हूँ मतलब मैंने अपने मन में जो मैं यहाँ आपके लिए आज लेकर आई हूँ कि हेडिंग वाइज हेडिंग में क्वेश्चन करवाऊँगी और साथ में थोड़ा सा रिविजन पॉडकास्ट भी दे दूंगी क्या मैं ये सही कर रही हूँ मतलब आपको इससे कुछ फ़ायदा महसूस हो रहा है या फिर ठीक ठीक लग रहा है मतलब आप फटाफट से मुझे फीडबैक दे सकते हो ताकि बचे हुए पार्ट में मैं अपने आप को ठीक कर सकूं सही लग रहा है बेटा सही लग रहा है मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा मैं भागे जा रही हूं और जैसे आपको ऐसा लग रहा हो कि मैम और रिवीजन कराओ क्योंकि बेटा रिवीजन तो आप बाकी सारे प्लेटफॉर्म पे भी कर रहे हो है ना और बाकी सारे प्लेटफॉर्म पे पूरा पूरा लेक्चर चल रहा है यहां तो हम क्वेश्चन करने आए हैं राइट बाकी जितना मुझसे हो पा रहा है मैं बीच बीच में आपको छोटा छोटा टॉपिक रिवाइज भी करा रही हूँ लेकिन आप बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी कर रहे हो चीजें ना चलिए ठीक है आ जाइए लाइसोजोम्स के बारे में वन आउट ढूंढ के निकालो फटाफट से चलिए पोल जनरेट कर रही हूं जल्दी से लाइसोजोम के बारे में वन आउट क्या है आ जाइए देखते हैं दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉन्ड बाय प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्जी बॉडी ये बात सही है टे हाइड्रोलिस कंटेन एंजाइम्स लाइक लाइपेसिस प्रोटीसिस कार्बोहाइड्रेसिस सही बात है दे आर केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड्स ये बताना मुझे इनको सुसाइडल बैग्स कहते हैं सही बात है दे आर केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन लिपिड्स न्यूक्लिक एसिड एंड वॉट इज दिस वॉट इज दिस दिस इज रॉन्ग एक गलत बात हो गई ये बात सही है सेल्यूलोज थोड़ी ना डाइजेस्ट कर सकते हैं डाइजेस्ट नहीं कर सकते बेटा राइट तो ये बात गलत हो गई बाकी तीनों स्टेटमेंट लाइसोजोम के बारे में बिल्कुल करेक्ट है चलिए नेक्स्ट फाइंड आउट अब थोड़ा सा पोल को बेटा मैं रोकती हूं क्योंकि अगर मैं पोल जनरेट करती रही तो बहुत टाइम हमारा आगे आ जाएगा चलिए फटाफट से देखते हैं चीजों को फाइंड आउट इन करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू वेक्योल वैक्यूल के बारे में क्या गलत है जल्दी से सोचो

कोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ओए होए होए ये बात गलत हो गई अलोंग नहीं यहां पे अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट आएगा अगेंस्ट बेटा एक चीज ध्यान रखना कि अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं बेटा जी तो प्लांट सेल के पास जो वैक्यूओल होता है उसके अंदर जो आयंस होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है साइटोप्लाज्म में कॉन्सेंट्रेशन लो होती है ध्यान से सुनना साइटोप्लाज्म में लो होती है आयन की कॉन्सेंट्रेशन बात बहुत जरूरी है प्लांट सेल में वैक्यूल के अंदर आयन कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है साइटोप्लाज्म में लो होती है यानी कि अगर हमें प्लांट सेल में वैक्यूल के अंदर चीजों को भेजना है आयंस को भेजना है तो ये जो ट्रांसपोर्ट होगा ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा और अगेंस्ट देशन ग्रेडियंट होगा ठीक है तो यहां पे अलोंग नहीं अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आएगा ठीक है बेटा चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ठीक है रेडी बेटा चलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट पर चलते हैं आ जाइए <coughs> माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़िए जल्दी से क्या आपको ढूंढना है इनमें से कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है फटाफट से चलिए एक एक करके मेरे साथ रीड करते हैं इट एंड इन नंबर बाय फ्यूजन सही बात है हाँ ये सही बात है माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया की तरह फ्यूजन से डिवाइड होता है ड्यूरिंग अर्ली कोर्स ऑफ एवोल्यूशन दीज वर एक्चुअली बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया सही मायनों में बैक्टीरिया थे हा एंडोसिम्बाटिक थ्योरी यही तो कहती है कि और क्लोरोप्लास्ट कभी थे। ये बात सही है। कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा ये बात मुझे थोड़ी गलत लग रही है माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है लिक्विड पार्ट है उसके अंदर होती है साइकिल तो बेटा मेरे ये तो उल्टा हो गया गलत हो गया दीज आर फुल्ली हाँ फुल्ली नहीं ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनलीज होती हैं ये बात भी गलत इट्स मैट्रिक्स प्रोसेस सेवेंटी एस राइबोजोम आर एंड लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए ये बात भी गलत है लीनियर नहीं सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए एन तो सिर्फ कितनी स्टेटमेंट ठीक है ऊपर की दो गलत कितनी है तीन तो इसका आंसर हो जाएगा ए बात समझ में आ गई बेटा माइटोकॉन्ड्रिया हो चाहे बी क्यों आंसर दे रहे थे ठीक है ना बेटा देखो कितनी स्टेटमेंट गलत हो गई ये वाली गलत है ये वाली गलत है और ये वाली गलत है तो तीन स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई तो आंसर बन जाएगा इसका ए करेक्ट है बेटा ठीक है चलिए नेक्स्ट विच वन इज नॉट ट्रू फॉर माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या सही नहीं है चलिए बताइए फटाफट से माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या सही नहीं है पढ़ो जल्दी से इसको क्वेश्चन को आहा, क्या हो रहा है करेक्ट बताना है यार कुछ बच्चे चैट बॉक्स में लिख रहे हैं है, मैम जल्दी कराओ जल्दी कराओ जल्दी कराओ इस चक्कर में मैं चैट बॉक्स देख रही हूँ और मुझे लग रहा है टाइम ज्यादा ना हो जाए बच्चों को जल्दी जल्दी में करेक्ट पूछ रहा है सॉरी करेक्ट पूछ रहा है ना तो सिर्फ दो ही स्टेटमेंट करेक्ट है आंसर हो जाएगा बी तभी कहूँ कुछ गड़बड़ लग रहा है बेटा आप चैट बॉक्स में लिख रहे हो ना मैम जल्दी कराओ जल्दी कराओ जल्दी कराओ इससे बेचारा टीचर सोचता है कि शायद और जल्दी कराना है फटाफट से तो इसमें वो थोड़ा वो हो जाता है चलिए हाँ इसका आंसर क्या होगा बी होगा करेक्ट है चलिए हम्म चवन इज नॉट ट्रू फॉर माइटोकॉन्ड्रिया चल बेटा देख लेते हैं आ जा जल्दी जल्दी करना है तो जल्दी जल्दी करा देंगे बताओ ऐसे तुम जल्दी जल्दी बोलते हो ना फिर टीचर बेचारा सोचता है यार बच्चों को टाइम जा रहा है क्या फटफट -फट करा देते हैं चलो विचवन इज नॉट ट्रू फॉर माइटोकॉन्ड्रिया अनिफिकली स्टेन आर नॉट ईजिली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप ये बात बिल्कुल सही है एनसीआरटी कहती है जब तक आप उसे स्पेसिफिक स्टेन के साथ स्टेन नहीं करोगे तब तक वो आपको ईजिली दिखाई नहीं देगा बात सही है नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉन्स्टेंट इक्टिव ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल वो कह रहा है इस सेल चाहे कम एक्टिव हो चाहे ज्यादा एक्टिव हो उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फिक्स रहते हैं गलत बात एनसीआरटी कहती है कि ऐसे सेल जो ज्यादा फिजियोलॉजिकली एक्टिव होते हैं उनमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं तो यह बात गलत है ठीक है सॉसेज शेप के होते हैं सिलेंड्रिकल होते हैं ये उनका डायमीटर है ये बात सही है क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रिस्टी होती है सरफेस एरिया बढ़ा देती है सही बात है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा बी चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट नॉट इनकरेक्ट यानी कि हमें क्या ढूंढना है इसमें करेक्ट ढूंढना चलिए करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है आ जाइए बेटा ढूंढते हैं चलिए फटाफट से आंसर दो आ जाओ मेरे साथ साथ रीड करो राइबोजोम ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज लार्जर देन द साइटोप्लाजमिक राइबोजोम ओके चलिए बताइए स्टेटमेंट ठीक होगी कि गलत द राइबोजोम ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज लार्जर देन द साइटोप्लाज्मिक गलत है ना बेटा क्लोरोप्लास्ट के अंदर तो सेवेंटी एस राइबोजोम पाया जाता है और साइटोप्लाज्मिक राइबोजोम एट्टी एस होता है तो यह बात क्या हो गई गलत हो गई चलिए इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज रिलेटिवली लेस परमिएबल इन कंपैरिजन टू द आउटर मेम्ब्रेन सही बात है क्लोरोप्लास्ट की जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है वो कम परमिएबल होती है बाहर वाली ज्यादा परमिएबल होती है द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस सही है द ल्यूमन ऑफ थाइलॉइड कंटेन एंजाइम्स गलत गलत है जो ल्यूमन है थाइलकॉइड का वो एंजाइम्स उसमें नहीं होते हैं वो तो खाली जगह है ना बेटा ल्यूमन का मतलब क्या होता है खाली जगह खाली जगह में एंजाइम्स कैसे हो सकते हैं तो यही बात गलत है तो इसका आंसर हो जाएगा डी ये क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग था ये क्वेश्चन हमारा क्लोरोप्लास्ट के रिगार्डिंग था ठीक है बेटा मेरे सही है चलिए हाँ एम सर की क्लास आ गई होगी दस बज गए हैं कोई बात नहीं बेटा वो रिकॉर्डेड आई है आप आराम से देख सकते हो दैट इज नॉट द लाइव क्लास वो रिकॉर्डेड क्लास है तो पहले लाइव कर लो थोड़ा सा टाइम और बचा है ठीक चलिए सेलेक्ट द रॉन्ग मैच जल्दी से फटाफट से कर लेते हैं आ जाओ बेटा थोड़ा ज्यादा टाइम मैंने ले लिया कोई बात नहीं मैं तो अच्छे में सोच रही थी कि बच्चों का अच्छा करूं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लाऊ ताकि जल्दी से उनकी प्रैक्टिस हो सके और थोड़ा पॉडकास्ट भी ऐड कर दू चलिए रॉन्ग मैच बताते हैं एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन स्टोरेज सही बात है एलोरोप्लास्ट में प्रोटीन स्टोर होता है इलियोप्लास्ट में बिल्कुल फैट स्टोर होता है तो यहां पे गलत क्या हो गया क्लोरोफिल इनर मेमब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट ये गलत है क्लोरोफिल को क्लोरोप्लास्ट के इनर मेमब्रेन पे थोड़ा ना पाया जाता है क्लोरोफिल तो कहां पाया जाता है आइलकॉइड मेमरी क्लोरोफिल कहां पाया जाता है बेटा वो पाया जाता है आइलकॉइड मेमरी ठीक बात सही हो गई ठीक है चैप्टर बड़ा है ना बेटा हाँ इसीलिए तो काफी बच्चे लिख रहे हैं मैम टेंशन मत लो चैप्टर बड़ा है ना इसलिए हाँ चैप्टर बड़ा है बेटा इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है अगर छोटा चैप्टर होता तो फटाफट से वाइंड अप कर देते और इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं जल्दीबाजी नहीं करना चाह रही कि जल्दीबाजी में फटाफट से करा दूँ ठीक है पिछला रॉन्ग है क्या रॉन्ग है बेटा पिछला रॉन्ग क्या रॉन्ग दिखाई दे रहा है करेक्ट तो गड़बड़ हुई है टाइपिंग में अरे यार क्या हो रहा है ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन करेक्ट यानी कि हमें करेक्ट बताना है गड़बड़ कर दिया बेटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट राइट विच ऑन द फॉलोइंग हमें करेक्ट ढूंढना है तो ये बात गलत है ये बात गलत है द स्पेस लिमिटेड इंटर इंटर स्पेस नहीं ये ये तो वो होगा होगा। ना आपका होगा। ये गलत हो जाएगा ये स्टेटमेंट भी गलत है तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज लेस परमिएबल तो इसका आंसर बी होगा मैम ही गलती कर दे रही हैं सॉरी बेटा ये थोड़ा जल्दीबाजी में हो पा रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं करा दू करेक्ट ढूंढना है तो इसका आंसर भी होगा चलो <laughs> बच्चे कह रहे हैं मैम इतना स्ट्रेस मत लीजिए आराम से कराइए हाँ मैं शायद सोच रही हूँ कि तुम लोग का ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो फटाफट से मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चे कह रहे हैं हम आराम से टाइम लो कोई दिक्कत नहीं है नो no प्रॉब्लम चलो ठीक है अभी मेरे कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं ना इसलिए मैं रश कर रही हूँ मेरे कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं मैं सोच रही थी बेटा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करा दूं ताकि कम टाइम में ज़्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा दूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका चैप्टर पे होल्ड बन जाए अब काफ़ी बच्चे चैट बॉक्स में लिख रहे हैं जल्दी 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 तो थोड़ा सा तो थोड़ा सा इसलिए मैं जल्दी कर रही हूँ चलिए थैंक यू बेटा थैंक यू फॉर बींग सो सपोर्टिव बच्चे काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं है। मैम कोई टेंशन नहीं है एम आर सर का लेक्चर आ गया हम बाद में देख लेंगे वो रिकॉर्डेड फॉर्म में है आप टेंशन मत लो आराम से कराओ चलिए अब थोड़ा आराम से कराते हो ना जल्दीबाजी में गलती हो रही है तो हम इसमें करेक्ट ढूंढना था ना बेटा तो हाँ बाकी सारी स्टेटमेंट गलत हैं ये, है, ये भी गलत है ये भी गलत है तो ये वाली स्टेटमेंट सही है कि क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन क्या होती है ज़्यादा परमेबल होती है तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या बनेगा बी बनेगा मैंने करेक्ट लिख दिया चलिए थोड़ा आराम से करते हैं रश नहीं करते कोई बात नहीं पाँच दस मिनट ऊपर हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं आ जाइए चलिए बेटा अब ये वाला क्वेश्चन करके बताओ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिडर सेमी ऑटोनोमस सेल ऑनल रीजन असर्टन टाइप क्वेश्चन है एक बच्चे ने लिखा है मैम रीजन असर्शन कैसे करना है रीजन <laughs> कैसे करना है ये बताओ बेटा रीजन असर्शन में आपको ये सोचना होता है सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि रीजन की स्टेटमेंट सही है असर्शन की स्टेटमेंट सही है

दोनों के पास अपना खुद का डीएनए होता है अपने खुद का आरएनए होता है अपना खुद का प्रोटीन होते हैं लेकिन फिर भी वो फुल्ली ऑटोनॉमस नहीं होते फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं होते क्योंकि तो वो अपने कुछ कामों के लिए साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स के ऊपर क्या करते हैं निर्भर करते हैं राइट तो ये ये वाली बात सही है तो दोनों बातें सही हैं अब हमें ये सोचना है कि जो नीचे वाली बात लिखी हुई है क्या वो ऊपर वाली बात का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ऊपर वाली बात कह रही है माइटोकॉन्ड्रिय क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गनली है तो क्या नीचे वाली बात उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हाँ वो सेमी ऑटोनॉमस इसलिए हैं क्योंकि उनके पास अपना डीएनए आरएनए सब है वो खुद का ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन सब कर सकते हैं लेकिन फिर भी वो साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स के ऊपर निर्भर करती हैं तो दोनों बातें सही है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए तो इसका आंसर आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा जाएगा बेटा? इसका ठीक है बच्चा तो ऐसे करते हैं रीजन असर्शन ठीक है चल, थोड़ा सुकून से करते हैं जल्दीबाजी में यही होता है थोड़ा सुकून से करते हैं कोई बात नहीं आ जाओ चलो बेटा इसको सॉल्व करके बताओ फटाफट से द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन क्लेमाइडोमोनास एनसीआर की लाइन है डेटा सीधा सीधा क्लेमाइडोमोनास में कितने यूनिसेलर है एक होता है बेटा और जो मीजोफिल सेल होते हैं पत्तियों में उसमें कितने होते हैं बीस से चालीस है ना तो इसका आंसर क्या हो जाएगा थी. तो ये डेटा साथ के साथ याद कर लो क्लेमाइडोमोनास जो कि यूनिसेलर ग्रीन एल्गी है उसमें एक सेल में एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है और प्लांट्स के अंदर पत्ती में जो मीजोफिल सेल पाए जाते हैं हरेक मीजोफिल सेल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट हो हैं। चलिए अब राइबोसोम पे चलते हैं आ जाइए अब एक बार छोटा सा रिवीजन करा दो फटाफट से माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों को लेके, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों ही डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गनली और ये दोनों के ही पास अपना खुद का डीएनए आरएनए और प्रोटीन होते हैं और डीएनए का कैसा होता है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए राइट और ये दोनों ही सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्नली और ये दोनों ही पहले कभी बैक्टीरिया हुआ करते थे राइट चलिए अब फिर से एक रीजन असर्शन का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है बेटा करके बताओ इसको क्या होगा आ जाओ पढ़ते हैं राइबोजोम आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज राइबोजोम को हम प्रोटीन फैक्ट्रीज कहते हैं क्या हाँ, कहते हैं ये बात सही है राइबोजोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड इन नेचर बात तो गलत हो गई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते तो ये तो ये बहुत सिंपल हो गया हमारा असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन क्या है फॉल्स है चलिए। <coughs> आगे चलते हैं अब बात करते हैं साइटोस्केलेटन की आ जाओ बेटा साइटोस्केलेटन आप जानते हो साइटोस्केलेटन होता क्या है सेल यू कैरियोटिक सेल प्रो कैरियोटिक सेल के पास साइटोस्केलेटन नहीं होता यू कैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म में बहुत सारे छोटे छोटे धागे फैले हुए होते हैं जिन्हें हम माइक्रोफिलामेंट्स कह देते हैं माइक्रोटिब्यूल्स कह देते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स राइट वो क्या क्या काम करते हैं आ जाओ देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर साइटोस्केलेटन अब देखो हमें यहां से क्या सीखने को मिल रहा है कि जब जल्दीबाजी हो रही है मैं चैट बॉक्स में देख रही हूँ मैम जल्दी कराओ जल्दी कराओ जल्दी कराओ एम सर का लेक्चर आ गया जल्दी कराओ फास्ट 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 तो वो देख के कई मेरी साइकोलॉजी ऐसी हो गई कि अब मुझे जल्दी करना है जल्दी करना है और सोचो मैं जो 11 साल से पढ़ा रही हूँ इस चक्कर में दो क्वेश्चन में सिली मिस्टेक कर गई जहाँ मुझे करेक्ट ढूंढना था वहाँ मैंने इनकरेक्ट मार्क करके आगे बढ़ गई सोचो लाइव क्लास में इतने सारे बच्चे मुझे देख रहे तो सोचो जब एग्जामिनेशन सेंटर में आप बैठोगे इसका मतलब टीचर भी भगवान नहीं होते और आप भी भगवान नहीं हो जब वहाँ आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे बैठोगे और आपके दिमाग में भसड़ होगी टेंशन होगी एनजाइटी होगी तो इसलिए मिस्टेक आप भी करोगे यानी कि हमने यहाँ से क्या सीखा आपने अपनी मैम से क्या सीखा कि नो मैटर आपको कितना आता हो आप ज्ञान के भंडार हो लेकिन अगर आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर में शांत नहीं होंगे बिल्कुल सुकून से अपना पेपर नहीं कर रहे होंगे तो भैया गलती किसी से भी हो सकती है है ना तो ये सीखने को मिल रहा है हमें बेटा कि जाकर एग्जामिनेशन सेंटर में बिल्कुल कूल cool माइंड के साथ पेपर करना है नहीं तो सिली मिस्टेक किसी से भी हो सकती है चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर साइटोस्केलेटन आ जाओ बेटा देखते हैं दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय माइक्रोफिलामेंट इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रो ट्यूबुल यह बात तो मुझे सही लग रही है दीस हेल्प इन मैकेनिकल सपोर्ट िटी एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप हा ये सेल को शेप मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं मोटिलिटी में भी मदद करते हैं जो माइक्रोटिब्यूल होते हैं बेटा माइक्रोटिब्यूल क्या बनाने में मदद करते हैं सीलिया और फ्लैजिला तो हां ये मोटिलिटी में मदद करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं सेल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये बात सही है दीज हेल्प इन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल सही बात है बेटा जो सार्कोप्लाज्मिक जो ये मस्कुलर कंट्रैक्शन में कैसे हेल्प करते हैं बेटा जो ये माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं आपने पढ़ा होगा मसल चैप्टर में माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं वो मस्कुलर में हेल्प करते हैं सूडोपोडिया मदद करते हैं और स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में माइक्रोटिब्यूल मदद करता है तो so, सारी बातें सही लग रही हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा ओके बेटा चल नेक्स्ट अब चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग है सीलिया और बादिला इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं आ जाओ हां जी हमें इसमें <laughs> हमें इसमें ढूंढनी है करेक्ट स्टेटमेंट अब आप बोलोगे बेटा मैं अधिकतर इसलिए क्वेश्चन ये वाले इसलिए लाई हूँ क्योंकि इस एक क्वेश्चन से आपका पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाता है इस तरह के एक क्वेश्चन से पूरी हेडिंग रिवाइज हो जाती है चलो सीलिया वर्क लाइक ओर्स सीलिया जो है वो चप्पू की तरह काम करता है नाव के चप्पू की तरह ध्यान से सुनना बेटा सीलिया और फ्लाजिला में दो अंतर होते हैं पहला सीलिया बड़े होते हैं सीलिया छोटे होते हैं साइज में दूसरा काम करने के तरीके में अंतर होता है सीलिया जो होता है वो बॉडी को भी मूव करा सकता है बॉडी को भी मूव करा सकता है या फिर मीडियम को भी मूव करा सकता है अगर मीडियम को धक्का मारेगा तो बॉडी खुद मूव करेगी या फिर वो बॉडी को भी मूव करा सकता है लेकिन फ्लैजिला सिर्फ बॉडी को मूव कराता है मीडियम को मूव नहीं कराता यानी कि सीलिया जो है वो चप्पू की तरह बिहेव कर सकता है और की तरह जैसे नाव का चप्पू होता है मीडियम को हिलाता है तो नाव आगे अपने आप बढ़ती है तो बात ये सही है सीलिया आर रिलेटिवली लॉन्गर देन फ्लैजिला सीलिया जो होते हैं वो फ्लैजिला से लंबे होते हैं गलत सीलिया तो छोटे छोटे ब्रश जैसे होते हैं फ्लैजिला लंबा होता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक फ्लैजिला आर स्ट्रक्चरली सिमिलर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का फ्लैजिला लगभग एक जैसा होता है स्ट्रक्चर में नहीं प्रोकैरियोट का फ्लैजिला सिर्फ एक सिंगल धागे का बना होता है जिसे फ्लैजिलिन कहते हैं यू कैरियॉर्ट्स का फ्लाजिला तो बहुत सारी माइक्रोटिब्यूल से बना होता है जहां पे होता है नाइन प्लस टू अरेंजमेंट। तो ये बात गलत है दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है सीलिया एंड फ्लैजिला और फ्लाजिला के चारों तरफ प्लास्मा मेम्ब्रेन। होती है हाँ ये बात सही है द कोर ऑफ सीलिया फ्लाजिला इज कॉल्ड एक्जोनियम बाहर क्या अभी बताया सीलिया और फ्लाजिला में बाहर क्या है प्लास्मा मेम्ब्रेन और प्लास्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी है सीलिया और फ्लाजिला में वो उसकी कोर कहलाता है वो एक्जोनियम कहते हैं ये बात सही है और उसमें वो कह रहा है उसके पास होते हैं नाइन पेयर ऑफ डब्लेट्स रेडियली अरेज एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोटिब्यूल यानी कि नाइन प्लस टू अरेंजमेंट की बात कर रहा है तो हा ये बात सही है तो ये बात गलत ये बात गलत हो गई ये बात गलत हो गई तो सही हमारी कितनी हो गई ये ये और ये तो कितनी स्टेटमेंट करेक्ट हो गई बेटा हमारी थ्री स्टेटमेंट्स करेक्ट हो गई तो हमारा आंसर हो गया ए एक।, एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है कितनी है एक दो तीन तीन ए में है अब देखो इसमें सिली मिस्टेक क्या होती है जो आप भी कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चन में सिली मिस्टेक क्या होती है कि हम जल्दीबाजी में गलत या सही में जो हमसे हो रहा था अभी दूसरा देखो कई बार क्या हो जाता है मैंने तीन ढूंढा मैंने देखा करेक्ट स्टेटमेंट तीन है तो बताए मैं क्या कर दूंगी आंसर सी कई बार ऐसा भी होता है करेक्ट स्टेटमेंट तीन है तो मैं फट से आंसर क्या लगा दूंगी सी यही करेक्ट स्टेटमेंट तीन है ये भी ये भी सीली मिस्टेक होती है यहां पे तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमने इस लेक्चर से ये सीखा कि इस तरह के क्वेश्चंस में जहां पे करेक्ट लिखा है नॉट करेक्ट लिखा है नॉट इन लिखा है इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा केयरफुल ठीक है चलो ये देखो बेटा सीलिया और फ्लाजिला का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है यहां देख लो ध्यान से यहां पे आपको दिखाई दे रहा है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ नो क्या दिखाई दे रहे हैं बेटा नो डबलेट दिखाई दे रहे हैं तो सीलिया और फ्लाजिला में पेरी पर माइक्रो टिब्यूल के नौ डबलेट होते हैं और एक पेयर होता है सेंटर पे तो इसको हम क्या कह देते हैं नाइन प्लस टू अरेंजमेंट ठीक है तो के नौ डबलेट्स बाहर की तरफ और ये पेर जो है वो सेंटर पर है लेकिन वहीं अगर मैं सेंट्रियॉल की बात करूं बेटा सेंट्रियॉल की बात करूं तो वहां पर क्या होता है सेंट्रियॉल में सेंट्रियॉल में होता है नाइन प्लस जीरो ठीक तो सीलिया और फ्लाजिला का स्ट्रक्चर ये हो गया बेटा जी और ये हो गया हमारा फर्क देख लो यहां पे नौ डबलेट है पेरीफेरी पे यहां पे नौ ट्रिपलेट है पेरीफेरी पे और सेंटर पे कोई माइक्रो ट्रिब्यूल नहीं है तो नाइन प्लस जीरो अरेंजमेंट और कैसा अपियरेंस आ रहा है पार्ट व्हील अपियर चलिए जाओ सेंट्रोजोम की ही बात करेंगे अब अब हमें क्या ढूंढना है वन इनकरेक्ट फॉर के बारे में गलत बात ढूंढनी है चलिए ढूंढते हैं इट यूजली कंटेन टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियॉल ये कह रहा है कि एक सिंगल सेंट्रोजोम में दो सेंट्रियॉल होते हैं हाँ सही बात है ये तो हम जानते हैं परपेंडिकुलरली अरेंज्ड होते हैं ऐसे कितने सेंट्रियॉल दिखाई दे रहे हैं दो सेंट्रियॉल मिलकर एक सेंट्रोजोम बनाते हैं बात सही है है ऑफ़ इट कार्ट व्हील स्ट्रक्चर जो होता है, उसका कार्ट व्हील स्ट्रक्चर होता है हाँ यह बात सही है अभी मैंने आपको दिखाया कार्ट व्हील जैसा स्ट्रक्चर है द पेरीफिरल फाइबर ऑफ सेंट्रियल इज अ ट्रिपलेट जो पेरीफिरल फाइबर्स होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं हां ट्रिपलेट होते हैं देख लो तीन तीन थे ना तीन तीन थे हाँ थे? चलिए ये बात भी सही है आर मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन ये गलत है कौन से प्रोटीन के बने रहते हैं फाइब्रिल्स इन प्रोटीन ठीक है बेटा चलिए नेक्स्ट अब न्यूक्लियस की बात आती है चलिए न्यूक्लियस के बारे में देखते हैं सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर न्यूक्लियोलस हमें न्यूक्लियोलस के बारे में करेक्ट ढूंढ के निकालना है आ जाओ करेक्ट ढूंढ के निकालना है इट इज अ साइट ऑफ एम आर एन ए सिंथेसिस गलत इट इज अ साइट ऑफ आर आर एन ए सिंथेसिस तो पता नहीं कितनी बार नीट में पूछा जा चुका और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो न्यूक्लियोलस होता है न्यूक्लियोलस इज अ साइट ऑफ आर आर एन ए सिंथेसिस न्यूक्लियोलस इज अ साइट ऑफ आर आर एन एस वहां पर बनाया जाता है लार्ज एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाइ आर प्रेजेंट इन सेल एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस ऐसे सेल्स जिनमें तेजी से प्रोटीन बनाया जाता है उनमें न्यूक्लियोलस का नंबर ज्यादा होता है ये बात सही है न्यूक्लियोलस कंटेन न्यूक्लियो न्यूक्लियोलस इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ओके तो हाँ बेटा क्या बात कह रहे हैं न्यूक्लियोलस कंटेन न्यूक्लियोप्लाज्म, बक बुड़बक हो क्या न्यूक्लियोलस में न्यूक्लियोप्लाज्म प्लाज्म कहां से आ गया और न्यूक्लियोलस एक सिंगल बाउंड स्ट्रक्चर है गलत बात तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी ठीक देख बेटा न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड लिक्विड प्रेजेंट है वो न्यूक्लियो है वो क्या है न्यूक्लियो और यही न्यूक्लियो में एक राउंड स्ट्रक्चर आप देखते हो जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस अब इसके बारे में तीन चार बातें ध्यान रखनी है ध्यान से सुनो ध्यान से सुनना एनसीआरटी कहती है न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद न्यूक्लियो न्यूक्लियोलस जो है वो न्यूक्लियो के साथ कंटिन्यूटी में रहता है माने उसकी अपनी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है ध्यान से सुनना ठीक है समझ में आ गया बेटा न्यूक्लियोलस के पास अपनी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है वो कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है इट इज कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियोप्लाज्म वो न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ कंटिन्यूटी में रहता है न्यूक्लियोलस का क्या है सेल के अंदर आर आर एन ए बनाना इट इज द एक्टिव साइट फॉर आर आर एन सिंथेसिस ठीक है बेटा बात समझ में आ गई मेरे बच्चों चलिए आगे चलेंगे हां जी द क्रोमोजोम इन विच सेंट्रोमियर स्लाइटली लाइज स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोजोम रिजल्टिंग इन वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग आर्म इसका आंसर तो बताए दोगे आप जो सेंट्रोमियर है वो बहुत ज्यादा नहीं हटा है सेंटर से थोड़ा सा हटा है सेंटर से तो वो क्या हो जाएगा बेटा आंसर बताओ फटाफट से चैटबॉक्स में क्या हो जाएगा ये, <coughs> ये हो जाएगा हमारा सब मेटासेंट्रिक बिल्कुल बीचों बीच है सेंट्रोमियर तो मेटासेंट्रिक थोड़ा सा हटा है सेंटर से तो सब मेटा थोड़ा ज्यादा हट गया तो आपका हो जाएगा प्रोसेंट्रिक और बिल्कुल टर्मिनल एंड पर पहुंच गया तो टीलो ठीक है बेटा चलिए नेक्स्ट द इंटरफेस न्यूक्लियस हैज हाईली एक्सटेंडेड न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स बताओ इसका आंसर क्या होगा जो हमारा इंटरफेज न्यूक्लियस होता है यानी कि जो रेस्टिंग न्यूक्लियस होता है उसमें आपको न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स देखने को मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं आंसर दीजिए चैट बॉक्स में इंटरफेज का मतलब क्या है बेटा मेरे इंटरफेज का मतलब है जब रेस्टिंग स्टेज में है सेल तो उसके अंदर न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं यस वेरी गुड बॉक्स में सभी बच्चे सही आंसर आंसर हो बी बिल्कुल करेक्ट बात है बेटा होगा इसका ठीक है क्रोमैटिन में क्या क्या प्रेजेंट होता है प्रोमैटिन में होता है डीएनए मोस्टली डीएनए होता है थोड़ा थोड़ा बहुत आरएनए भी होता है स्टोन प्रोटीन होते हैं और नॉन हिस्टोन प्रोटीन ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाते हैं हमारे क्रोमैटिन को ओके okay, बेटा चलिए आगे चलेंगे चूज द करेक्ट वन फॉर द क्रोमोजोम गिवन बिलो चल ये आपको एक क्रोमोजोम दिया हुआ है बेटा और आपको बताना है कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स कितने हैं नंबर ऑफ आर्म्स कितनी है नंबर ऑफ सेंट्रोमियर कितने हैं नंबर ऑफ काइनेटोकोर कितने हैं और नंबर ऑफ टीलोमियर कितने बताओ बेटा इसका आंसर दो। ओके hmm. okay. तो काफी बच्चे चैट बॉक्स में सही आंसर दे रहे हैं देखो बेटा ध्यान से देखना इसमें क्रोमैटेड कितने नजर आ रहे हैं आपको एक क्रोमैटेड तो ये है ना एक क्रोमैटेड तो ये और दूसरा क्रोमैटेड ये तो क्रोमैटेड हो गए दो ये एक सिंगल क्रोमैटेड इस सिंगल क्रोमैटेड की ये शॉर्ट आर्म ये लॉन्ग आर्म शॉर्ट आर्म लॉन्ग आर्म तो क्रोमैटेड हो गए दो और आर्म्स हो गई चार काइनेटो सेंट्रोमियर कितना है बेटा इनके पास ऑब्वियसली सेंट्रोमियर तो आपको एक ही नजर आ रहा है ये बीच में सेंटर पे एक सेंट्रोमियर है Kynetocore. Kynetocore क्या होता है Proteinaceous disk होती है बेटा डिस्क होती अराउंड दी सेंट्रोमियर काटोकोर तो एक डिस्क इधर की तरफ है ये और एक इधर की तरफ तो काइनेटोकोर कितने हो गए दो टीलोमियर अब ये टीलोमियर क्या होता है मैम टीलोमियर होता है बेटा एंड्स ऑफ क्रोमोसोम क्रोमोजोम के जो सिरे होते हैं तो कितने सिरे हैं यहाँ पे देखो एक किलोमीयर ये है बाय ऑल बेस्ट मिश्री दरो, मिश्री दराव जल्दी भाग के जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी स्टूडेंट्स आपसे मिलना चाह रहे हैं जाओ बाय बोल दो mm. आज मिश्री का एग्जाम है आज कौन सा एग्जाम है आपका हिंदी का ना mm. आदमिश्री का हिंदी का एग्जाम है वो स्कूल जा रही है ऑल द बेस्ट बोल दो बोलो आज मेरा हिंदी का एग्जाम है शर्मा की रहे और आप भी बोल दो ऑल द बेस्ट चलो जाओ जाओ अच्छे से अच्छे से पेपर दे के जाओ। ऑल द बेस्ट अच्छे से करके आना बेटा ठीक है मम्मा आपको शाम में मिलेंगी <laughs> चलिए तो बेटा सिरे तो देखो कितने सिरे आपको यहां नजर आ रहे हैं एक ये टीलोमियर है ये टीलोमियर है ये टीलोमियर है और ये टीलोमियर है ठीक है बेटा टीलोमियर क्या होते हैं एंड्स ऑफ क्रोमोजोम यहां पर टीलोमियर पे रेपिटेटिव सीक्वेंसेस होती है जो क्रोमोजोम को छोटा होने से और डिस्ट्रॉय होने से बचाती है तो इसका आंसर क्या बन जाएगा बेटा दो चार एक दो और चार तो इसका आंसर बन जाएगा सी ओके okay, बेटा जी चलिए तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर होता है खत्म होमवर्क आपका है कि आपको बेटा इसके साथ प्रैक्टिस शीट दी जाएगी वो प्रैक्टिस शीट आप कर लेना उसमें काफी अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिवन है ये आपका होमवर्क है तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी क्वेश्चन मैं आज ये बनाकर लाई हूं ये क्वेश्चन मैंने खुद से बनाए हैं बेटा एन की लाइन से तो इनसे काफी सारी आपकी एनसीआरटी की लाइन रिवाइज हुई होंगी और काफ़ी आपको हेल्प मिली होगी <laughs> बीच में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई जल्दीबाजी में एक दो जगह गलत आंसर मैंने लिख दिया उसके लिए सॉरी लेकिन उससे हमें सीखने को ये मिला कि अगर भाई जल्दीबाजी में मैम गलती कर सकती हैं जो इतने सालों से पढ़ा रही हैं तो हम क्या चीज़ है राइट तो बेटा इससे ये सीख मिलती है कि एग्जामिनेशन हॉल में जल्दीबाजी नहीं सुकून से पेपर देना राइट अच्छे से टाइम मैनेज ठीक है आज बहुत टाइम बाद मैम लाइव क्लास दे रही हैं तो अगर कोई गलती हो गई हो तो अपॉलोजी है सॉरी बेटा लेकिन पूरे आ, मन के साथ ये लेक्चर लिया इस मंशा से ये लेक्चर लिया कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंच सके टाइम मैंने थोड़ा सा आपका ज्यादा ले लिया जितना मैं कैलकुलेट करके आई थी उसके लिए सॉरी अगली बार थोड़ा सा शॉर्ट और क्रिप्स क्रिस्प रखेंगे थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करके मैं भी आऊंगी क्योंकि टीचर्स को भी बेटा सीखना पड़ता है कि हमारा भी इवॉल्विंग प्रोसेस होता है तो अगले लेक्चर में इतना टाइम हम नहीं लेंगे आपका ठीक है थोड़ा सा और इसको क्रिस्प रखेंगे दो घंटा लगा दिया मैंने आज बड़ा चैप्टर था अगले चैप्टर में ध्यान रखेंगे ठीक है चलिए बेटा तो मेरी रिक्वेस्ट है ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद बेटा एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेना लाइन बाय लाइन और मैं आपको गारंटी देती हूं कि आप अच्छे से अपने नीट के क्वेश्चन सॉल्व करें ठीक तो है चलिए फिर मिलते हैं आज ट्वेल्व है हम मिलेंगे सुबह साढ़े आठ बजे चौदह तारीख को फोर्टीन मार्च न्यू चैप्टर सेल एंड सेल साइकिल और जो चीज़ें आज थोड़ा मुझे कमी लगी वो उस लेक्चर में पूरी हो जाएंगी तो वो लेक्चर इससे कहीं ज़्यादा बेहतर हो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में बेटा तब तक के लिए बाय ऑल द बेस्ट मन लगा के पढ़ते रहो खुश रहो बिंदास रहो ठीक है चलिए बाय बेटा लव यू ऑल